हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित अल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब पे। ठीक है, डे फोर है हमारा सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल एमसीक्यू मैं बताने वाला हूं, और कुछ कुछ जो माइनर चीज़ें मेरी लास्ट पार्ट में बाकी थी जो मुझे बाद में बताना था वो मैं आज बता दूंगा। ठीक है, तो आज का जो सब पैटर्न है वो ऐसा रहेगा कि आज मैं पहले आपको डिविडेंड का पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा। डिविडेंड जो भी अलग अलग नाम से आप सुनते हो सबका मैं अच्छे से बता दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर कुछ लेजर के फॉर्मेट्स में बताऊंगा जिस पे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें हिडन फिगर निकालने पड़ते हैं, तो पहले मैं पूरे फॉर्मेट्स, उसकी एंट्री, उसकी पोस्टिंग सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, और फिर हम जो मैंने मेरे प्रैक्टिकल एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे, और फिर हम देखेंगे टाइम बचता है तो कुछ और मुझे बताना रहा या कुछ रहा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो फटाफट लाइक कर दो भाई, जल्दी एनर्जी आनी चाहिए। चलिए आ जाओ फटाफट लाइक करो। चलो आई होप आपको कल का पूरा थ्योरी जो मैंने समझाया था आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए किया लाइक किया भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, 1 लाख पे पहुंचा दो सर को। चलिए करें स्टार्ट। चलिए पहले पहला स्टार्ट करते हैं डिविडेंड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड में अगर आप देखोगे एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होता है सर, ये जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 31 मार्च को डिविडेंड रिकमेंड करते हैं तो पहले जब पुरानी ट्रीटमेंट थी जो आपने शायद पढ़ी होगी पहले वाली, उसमें क्या होता है कि हम उसकी एक एंट्री पास करते हैं, उसको हम प्रपोज डिविडेंड मान के लाइबिलिटी मान लेते हैं। लेकिन कंपनी लॉ में आप क्या पढ़ते हो कि जब तक शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं करते हैं इट डज नॉट बिकम अ लाइबिलिटी। वो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं बनती है, जब शेयर होल्डर्स एजीएम में उसको अप्रूव करते हैं तब जाके वो एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट होती है और तब जाके उसकी एंट्री पास होनी चाहिए। तो ये अब नया ट्रीटमेंट है कि जब वो प्रपोज हो रहा है, जब बोर्ड सिर्फ रिकमेंड कर रहा है, एक्चुअल लाइबिलिटी आती ही नहीं है, वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, और जब तक एजीएम में वो अप्रूव नहीं होता है कोई लाइबिलिटी अराइज होती ही नहीं है। तो इसीलिए 31 मार्च को जब बोर्ड कुछ प्रपोज कर रहा है डिविडेंड, उसको अकाउंट फॉर करना ही नहीं चाहिए, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होनी चाहिए। डिस्क्लोजर दे दो, आप डिस्क्लोजर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री पास नहीं होगी। तो अब इसका क्या मतलब है, नो एंट्री विल बी पास्ड एट ईयर एंड, एंड ऑफ ईयर कोई एंट्री पास नहीं होगी, मतलब प्रपोज डिविडेंड नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं होगा जो बैलेंस शीट डेट पे आपको दिखेगा। तो अब जितने भी आपको क्वेश्चंस आएंगे या जो भी बैलेंस शीट आप देखोगे, इवन कंसोलिडेशन में देखोगे या जितने भी चैप्टर्स में देखोगे, वहां पे लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटी में आपको प्रपोज डिविडेंड नाम नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, तो मतलब ये है ही नहीं, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है ईयर एंड पे, कोई अब एंट्री पास नहीं होती। तो अब सर क्या होता है वो बता दो, यही चीज मैं कंसोलिडेशन में भी बताऊंगा, अभी भी बता देता हूं। ठीक है, तो अब होगा जब एजीएम होगी, एजीएम के वक्त अब एंट्री होगी, एजीएम के वक्त अब सीधे मतलब अप्रूवल हो जाएगा, एजीएम में अप्रूव होगा तो क्या करेंगे, तब एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। ठीक है, प्रॉफिट में से आप देते हो, प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। ठीक है, ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और ये आपकी करंट लाइबिलिटी में दिखेगा। अब विद इन 30 डेज जैसे ही आप पे करोगे फिर उसकी एंट्री होगी, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो डिविडेंड पेएबल अकाउंट उसी 30 डेज के गैप में ही बंद हो जाएगा, बैलेंस शीट तक पहुंचेगा ही नहीं। आ रहा है, क्लियर है, ये नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब एक और नॉर्मल वाली चीज बता देता हूं कि हो सकता है कि आप इंटरिम डिविडेंड पे करो, हो सकता है आप इंटरिम डिविडेंड पे करो। अब फिर से आपको कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ याद करना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे करते हैं, वो शेयर होल्डर्स पे नहीं करते, वो बोर्ड डिसाइड करता है और बोर्ड ही उसको पे करता है। ठीक है, बोर्ड के पास पावर होता है इंटरिम डिविडेंड का। ठीक है, तो बोर्ड सीधे
साल के बीच में ही उसी साल के प्रॉफिट में से उसी साल आप एडवांस में डिविडेंड पे कर रहे हो। इंटरिम डिविडेंड क्या है? एडवांस डिविडेंड है। जैसे एडवांस टैक्स आप भरते हो, सेम लॉजिक है कि साल भर का एक टैक्स भरना ही है, उसी में से कुछ पार्ट आप एडवांस में पे करते हो। वहां तो क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है इसलिए आप देते हो, यहां आप अपनी इच्छा से दे रहे हो कि भाई आपके पास अच्छा प्रॉफिट हुआ है आधे साल में या फ्यू मंथ्स में ही, आपका अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है और आप कॉन्फिडेंट हो कि साल के आखिरी में भी टोटल प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप लोगों को, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए कुछ इंटरिम डिविडेंड देते हो, खुश करने के लिए होता है वो, ठीक है। तो इसमें बात क्या ध्यान रखनी है कि ये एडवांस है। एडवांस मतलब लाइबिलिटी आई ही नहीं है, बुक्स में लाइबिलिटी है ही नहीं, और जो साल भर का डिविडेंड होता है वो तो साल के बाद जब वो एजीएम में अप्रूव होगा तभी होगा ना। मतलब आपको सिर्फ यहां ध्यान क्या देना है कि पीएनएल डेबिट होता है या नहीं होता, पीएनएल डेबिट होता है या नहीं होता, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो इंटरिम डिविडेंड में क्योंकि एक एडवांस पेमेंट है, इसमें पीएनएल डेबिट होता ही नहीं है। पीएनएल एक ही बार डेबिट होता है, वो भी जब एजीएम में अप्रूव होके आप जब डिसाइड करते हो तब पीएनएल डेबिट होता है डिविडेंड के केस में। मतलब यहां पे आपने क्या एंट्री पास की होगी, इंटरिम डिविडेंड डेबिट, ये करंट एसेट है टू कैश बैंक, आपने ऐसे एंट्री पास कर दी होगी, ये क्या है, करंट एसेट है और करंट एसेट में दिखेगा, ठीक है। तो ये एंट्री पास होती है, क्लियर है, एंट्री का कंसेप्ट क्लियर है। अब बताओ कैश फ्लो के एंगल से क्या होगा, बोलो। अगर बीच में मतलब डिविडेंड पे हुआ है वो अब आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, बैलेंस शीट से तो डिविडेंड पेबल आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो बंद हो जाता होगा, पर कितना पे हुआ था ये एडजस्टमेंट में आपको दिया होगा, तो बस वो आपको डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड कहां आता है, डिविडेंड पेड कहां आता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो डिविडेंड पेड जो है वो एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इक्विटी पे आप देते हो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो दिखाना है, और फिर आपको पीएनएल का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा कि अगर डिविडेंड पे हुआ है साल के आखिरी में, यानी साल के बीच में पिछले साल का डिविडेंड पे हुआ है तो वो पिछले साल के पीएनएल में आया होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि डिविडेंड पेएबल जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो अलग अलग साल का एग्जांपल लो, ईयर वन ईयर टू। ईयर वन का जो भी डिविडेंड होगा वो कौन से साल में पे होगा, ईयर टू में, मतलब उसका जो कैश फ्लो है वो ईयर टू में आएगा, उसका जो कैश फ्लो है वो पीएनएल मतलब सेकेंड ईयर में आएगा, पर उसका जो प्रॉफिट है वो कौन से प्रॉफिट में से दिया जा रहा है, वो पिछले साल के प्रॉफिट से दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पीएनएल पिछले साल का होगा लेकिन कैश फ्लो अगले साल का होगा, आए ख्याल में। पहले क्योंकि प्रपोज डिविडेंड था तो ये सब प्रॉब्लम पहले नहीं होती थी, पहले आप पहले ही एक अकाउंट क्रिएट कर लेते थे प्रपोज डिविडेंड और एक लाइबिलिटी डिविडेंड पेबल आप पहले ही क्रिएट कर लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर आप अब 31 मार्च तक कोई एंट्री पास ही नहीं करते हो, वो अगले साल होता है। तो जब आप अगले साल उसका एक्चुअल अप्रूवल करके पे करोगे तो वो प्रॉफिट कौन सा होता है, पिछले साल का अक्यूमुलेटेड जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, पास्ट जो आपके प्रॉफिट्स हैं उसमें से वो पे होता है, ठीक है। मतलब जो सेकेंड ईयर है, जो साल चल रहा है, जिस साल में एक्चुअल डिविडेंड का कैश आउटफ्लो हो रहा है, उस साल के पीएनएल में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो एक ही इफेक्ट आएगा जो है आपका कैश आउटफ्लो, पीएनएल का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उस साल के पीएनएल में आपने कुछ किया ही नहीं है। ये पीएनएल कौन सा है, अक्यूमुलेटेड पिछले साल का होगा, और वो बैलेंस शीट में, अगर आपको बैलेंस शीट दी जाती है तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि डिविडेंड रिजर्व एंड सरप्लस या जनरल रिजर्व या कहीं ना कहीं से माइनस हुआ होगा, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस का ही अलग से जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है तो वहां से कहीं अलग से माइनस हुआ होगा, ठीक है। पर जो करंट ईयर का प्रॉफिट आप लेते हो, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आप लेते हो, वो प्रॉफिट फॉर द ईयर में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इस साल का जो सेकेंड ईयर का डिविडेंड है वो फिर कब पे होगा, नेक्स्ट ईयर पे होगा, थर्ड ईयर में वो पे होगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, जिसकी अकाउंटिंग बेस में थोड़ा गड़बड़ है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रास्प करने में, पर आप ध्यान दो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीएनएल कौन सा है,
रिजर्व्स एंड सरप्लस। और आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा ही होगा, डिविडेंड पीएनएल अकाउंट से भी आप दे सकते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस से भी दे सकते हो, पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है लॉ में। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके आपको माइनस करना है डिविडेंड पेड, और पीएनएल में कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस साल के पीएनएल में हमने कुछ किया ही नहीं, इस साल के करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड के लिए कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से आपने माइनस किया होगा, वो रिजर्व्स को यूज किया होगा। ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रखना है। अब आते हैं इंटरिम डिविडेंड पे। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड में भी पीएनएल डेबिट हुआ ही नहीं, इंटरिम डिविडेंड भी डेबिट हुआ ही नहीं। ये इंटरिम डिविडेंड जो दिख रहा है ये कहां से नॉक ऑफ होता है, डिविडेंड पेबल से बाद में चल के नॉक ऑफ होगा, डिविडेंड पेबल आगे चल के जब आएगा तब ये नॉक ऑफ होगा। मतलब ये जो एंट्री आप दे रहे हो ना, ये नॉर्मल एंट्री है, डिविडेंड पेबल टू कैश, मतलब आपने इंटरिम डिविडेंड दिया ही नहीं था, डायरेक्टली पूरा जो डिविडेंड है पूरा एक साथ आप एजीएम के बाद विद इन 30 डेज दे रहे हो। पर यहां जब आप इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दे चुके हो तब एंट्री क्या पास होगी सर, तब देखो क्या होगी। तो डेबिट तो वही होगा, डिविडेंड पेबल पूरा साल भर का। अब इसी में से कुछ आप दे चुके हो और कुछ आप अभी कैश में रिमेनिंग डिविडेंड आप पे करोगे, तो यहां पे आप नॉक ऑफ करोगे टू इंटरिम डिविडेंड। जितना आप दे चुके हो वो अकाउंट को आप एडजस्ट करोगे, जैसे आप कॉल इन एडवांस एडजस्ट नहीं करते हो, याद आ रहा है, शेयर कैपिटल याद करो, अकाउंट्स कॉल इन एडवांस ऑलरेडी रहता है, बाद में जब पैसे मिलने की बारी आती है तो कॉल इन एडवांस आप नॉक ऑफ कर देते हो क्योंकि उतना पैसा फिर से थोड़ी आएगा। वैसे यहां ऑलरेडी आप एडवांस डिविडेंड दे चुके तो फिर से थोड़ी दोगे, तो वो नॉक ऑफ हो जाएगा। तो ये पहले डेबिट और फिर ये क्रेडिट, तो अकाउंट बंद हो जाएगा और जो बचा हुआ है डिफरेंस वो आप कैश या बैंक से पे कर दोगे। आई ख्याल में, तो ये एंट्री इस तरह से होती है जब अगर इंटरिम डिविडेंड आपने पे कर दिया है पहले से तो। ठीक है, तो अब इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट क्या होगा बोलो। इंटरिम डिविडेंड सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, सेम आउटफ्लो है और सेम यहां पे भी पीएनएल का कोई इफेक्ट लिया ही नहीं जाता, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब डिविडेंड का कुछ भी आता है तो एक ही इफेक्ट आएगा, अब डिविडेंड का कोई भी चीज आता है तो एक ही इफेक्ट आएगा, डायरेक्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके आपको माइनस करना है। ठीक है, अब एक और इफेक्ट आ सकता है, अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड मतलब ये डिविडेंड पेबल का ही एक पार्ट है, डिविडेंड पेबल का ही एक पार्ट है जो आपने पे ही नहीं किया, आई ख्याल में, और जो बाद में आपने अलग से एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 1 लाख का डिविडेंड अनाउंस किया, मतलब एजीएम में अप्रूव हो गया, अब इसमें से आपने 50,000 का ही पे किया या 50,000 का ही लोगों ने क्लेम करने आ गए, 50,000 का लोगों ने ही क्लेम नहीं किया, आपने सबको डिविडेंड वारंट भेज दिए, सबको डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिए, पर लेकिन लोगों ने एनकैश ही नहीं करा, अनक्लेम डिविडेंड उसी को कहते हैं कि आपने दे दिए, आपने उनको पोस्ट कर दिया, चेक वारंट जो भी तरीके से आप पे करते हो आपने अपने तरफ से भेज दिया है, उन्होंने एनकैश ही नहीं करा, क्लेम ही नहीं किया है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे ही नहीं गए हैं, तो 50,000 का ही क्लेम हुआ है, 50,000 का अभी तक क्लेम ही नहीं हुआ, तो आपके ऊपर अभी भी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, तो डिविडेंड पेबल पूरा मैं डेबिट करूंगा 1 लाख से बंद करने के लिए, टू कैश बैंक जितना एन कैश हो गया है 50,000, लेकिन अब जितना नहीं हुआ है उसको एक सेपरेट अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट 50,000। ठीक है, तो इसका बैलेंस शीट में देखो इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट में आपको क्या दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में यहां दिखेगा अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, ओपनिंग 0 रहेगा और क्लोजिंग दिखेगा 50,000, ऐसा दिखेगा, आए ख्याल में, ऐसा बैलेंस शीट में आपको दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट दिखेगा, ओपनिंग नॉर्मली इसका 0 ही रहता है और क्लोजिंग इस साल का जो आपने इस तरह से ट्रांसफर किया होगा, डिविडेंड पेबल पूरा बंद कर देते हैं क्योंकि हमने डिफॉल्ट नहीं किया है, हमने डिफॉल्ट नहीं किया है, उन्होंने क्लेम नहीं किया है, और इसलिए हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के बाकायदा पैसा भी अलग अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सेक्शन 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है,
तो ऐसा इसका जर्नल एंट्री पास होता है। तो डिविडेंड पेबल पूरा 1 लाख से डेबिट हो गया तो वो अकाउंट बंद हो जाता है अपना, मतलब कोई डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं है। और जब अब एनकैश होगा, जब वो लोग उसको यूज करेंगे, मतलब डिविडेंड एक्चुअली जब क्लेम होते जाएगा, तब आप अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट बाद में डेबिट करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, परेशान हो जाओगे। अकाउंट्स क्योंकि फेवरेट है मेरा, तो मैं तो खत्म ही नहीं होता मेरा, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आगे का मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड इस तरह से दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आई ख्याल में मतलब आपने पे किया ही नहीं है, आपने पे किया ही नहीं है, ठीक है, कुछ मतलब पेबल था फिर उसमें से आपने कुछ पे नहीं किया है, मतलब इसका अब इम्पैक्ट कैसे होगा, इसके साथ साथ आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कि भाई डिविडेंड अनाउंस कितना हुआ था, वो दिया रहेगा। अब ध्यान दो, जब तक साल भर का डिविडेंड नहीं दिया है, अनक्लेम डिविडेंड भी नहीं दिया रहेगा। काफ़ी लोग काल्पनिक सोचते हैं, अपने खुद के दुश्मन खुद ही बन जाते हैं, नहीं सर साल भर का नहीं दिया हो, सिर्फ यही दिया हो तो मतलब क्या इंस्टीट्यूट आपसे दुश्मनी निकाल रहा है क्या। पॉजिटिव सोचो कि भैया अगर कोई कनेक्टेड चीज है तो दी रहेगी ना यार, कैसे कैसे अज्यूम कर सकते हो आप, मतलब क्वेश्चन गलत है, वो मटका आप इंस्टीट्यूट पे फोड़ देना, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके। हुआ अगर आप अपने लिए ही निगेटिव सोच रहे हो तो आपको कोई बचा नहीं सकता इस दुनिया में, ठीक है, हम तो मतलब बहुत छोटे लोग हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता, तो अपने फेवर में ही सोचो हमेशा, बाकी अपने दुश्मनों को करने दो, ठीक है। तो साल भर का आपको दिया रहेगा कि सर 1 लाख का डिविडेंड अप्रूव हुआ था, ऐसा दिया रहेगा। पे कितना हुआ वो नहीं दिया रहेगा, जब अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट दिया रहता है ना, तो पे कितना हुआ एक्चुअली वो नहीं दिया रहता, वो आपको हिडन फिगर समझना है कि अनक्लेम डिविडेंड 0 से 50,000 हो गया है, मतलब 50,000 तो पे ही नहीं हुआ, तो 1 लाख में से 50,000 पे नहीं हुआ, मतलब पे कितना हुआ होगा, 50,000 रिमेनिंग ही पे हुआ होगा। तो एक्चुअली डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना आएगा, 50,000 ही आएगा, आए ख्याल में। तो अब आप इस ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाओगे कि भाई अनाउंस हुआ था 1 लाख, पूरा 1 लाख पे हुआ ही नहीं है, अगर ये अनक्लेम डिविडेंड नहीं दिया होता तो मैं तो यही मान लेता कि 1 लाख पूरा पे हो गया, समझो बात को, अनक्लेम डिविडेंड नहीं दिया होता तो आप 1 लाख आउटफ्लो दिखाओगे, लेकिन क्योंकि अनक्लेम डिविडेंड दिया हुआ है और वो 50,000 से बढ़ रहा है, मतलब 50,000 आपने पे ही नहीं किया है, तो यहां मैं वो 50,000 माइनस करूंगा और रिमेनिंग जो 50,000 है वो पे हुआ होगा, उसको एज अ आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां आपने उसको यूज किया अनक्लेम डिविडेंड को, यहां इंक्रीज इन अनक्लेम डिविडेंड जो है वो यहां पे आपने इसको यूज कर लिया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या, फटाफट बोलो क्लियर है क्या, थम्सअप थम्सअप कमेंट करो भाई। तो मैं सारे सिचुएशंस बता रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान दो। तो फटाफट मैं बता देता हूं, देखो प्रपोज डिविडेंड अब दिया ही नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपको ये मानना है कि नहीं आ गया तो आप अपना दुश्मनी खुद से निकलते बैठो, अब प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा, ठीक है, तो वो भूल जाओ अभी। फिर ये आ सकता है कि भाई साल भर का डिविडेंड कितना पे हुआ, पिछले साल का एजीएम में अनाउंस होकर कितना पे हुआ वो दिया जा सकता है, तो आपको एक ही इफेक्ट लेना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पूरा आउटफ्लो एज अ पेमेंट दिखा देना है। फिर एक रहेगा कि इंटरिम डिविडेंड है, तो सेम सिर्फ जितना इंटरिम डिविडेंड है वो आपको आउटफ्लो दिखा देना है, ठीक है, एक इफेक्ट आएगा। फिर हो सकता है आपको दिया जाए कि अनक्लेम डिविडेंड भी है और पिछले साल का कितना डिविडेंड इस साल में अनाउंस हुआ था, अप्रूव हुआ था एजीएम में, डिक्लेयर हुआ था, वो दिया रहेगा, तो फिर आपको जितना अनक्लेम में इंक्रीज हो रहा है उतना आपको माइनस कर लेना है, उतना पे हुआ ही नहीं है, बचा हुआ जो अमाउंट है वो पे हुआ होगा एक्चुअल में, तो उतना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखा देना है। तो ऐसे 3 या 4 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं डिविडेंड के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए सर, तो ये हो गया आपका डिविडेंड, ये सब मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, लिखने का टेंशन मत लो, सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं वो टेलीग्राम पे आपको सेम डे इमेजेस मिल जाएंगी। टेलीग्राम बस शराफत से ज्वाइन कर लो, उसका कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए सर, तो ये हो गया पहला टिक, डिविडेंड इतना आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं सर फॉर्मेट ऑफ लेजर। फॉर्मेट ऑफ लेजर का प्राइमरी मोटिव है हिडन फिगर्स के लिए, कुछ टाइप के क्वेश्चंस में आपको हिडन फिगर्स निकालने होते हैं, हिडन परचेज, हिडन सेल, हिडन डेप्रिसिएशन, कुछ कुछ हिडन फिगर्स निकालने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए आपको बेटर है लेजर बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी अप्रोच है, आपने प्लस माइनस से भी सीखा होगा,
कोई चीज़ सही गलत नहीं होती है, आपको क्या अच्छी लगती है, आपको क्या सिंपल लगती है, आपसे कहाँ गलती बिल्कुल होने के चांसेस कम है, वो यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। मेरे लिए वो लेजर होता है, लेजर मेरा एकदम स्ट्रांग है, तो मैं लेजर से ही हमेशा निकालता हूँ और रिकमेंड भी वही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में आप कभी भी घूम जाओगे, ठीक है। अब ये कौन कौन से लेजर हैं, ठीक है, ध्यान दो कौन कौन से लेजर हैं। देखो पहला है इन्वेस्टमेंट, सेकेंड है फिक्स्ड एसेट, कोई भी आ सकता है, प्लांट यानी सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स आते हैं, प्लांट मशीनरी, ठीक है, और एक लैंड भी आ सकता है, नॉन डेप्रिशिएबल है लेकिन वो भी आ सकता है, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो प्लांट मशीनरी लैंड ऐसे नॉर्मली आता है, और फिर आता है एक प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, पहले डिविडेंड भी आता था, अब लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग पूरी चेंज हो गई है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और मशीनरी इक्विपमेंट, बाकी सब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है। एक सेकेंड में देख के बताता हूँ आपको। हाँ, और एक आता है लाइबिलिटी साइड का, मतलब डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकता है, ठीक है, ये सब भी आ सकता है, इसका भी हो सकता है आपको अकाउंट बनाना पड़े, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ओरली भी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओरली भी होती हैं, ओरली आपको जमती हैं तो आप वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती लॉन्ग कट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है हर बच्चे, हर टाइप के बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक। कुछ बच्चे बोलते हैं सर स्लो पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, मतलब साइंस वालों को भी समझ में आ रहा होगा, आपको स्लो लग रहा है मतलब साइंस वालों भी कैच कर रहे होंगे, ठीक है। पर्पस यही है कि जो भी बच्चा देख रहा है उसको हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो इतने अकाउंट्स हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चन वाइज ही बताते जाता हूं, पहले बताऊंगा फिर क्वेश्चन में सेम रिपीट होगा फालतू, तो अपन एक एक टाइप के इसके क्वेश्चन ही देखते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको ओवरऑल चीजें और क्या क्या भी आ सकती हैं और क्या घुमा के आपको पूछा जा सकता है वो सब भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप आ जाइए एमसीक्यूज पे, ठीक है। ब्लैंक शीट आप यूज करना, जिस पे आंसर लिखे हुए हैं सर वो खोल के मत बैठना, सब कुछ आपको लगेगा आसान है, सब कुछ आपको लगेगा आसान है, ऐसा मत करना। ब्लैंक शीट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, वो यूज करो, ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट्स के करते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले पे आ जाओ, ये वाला थर्ड, इस पे आ जाओ इन्वेस्टमेंट, और एक दो मैं आपके पास पेपर के भी करवाऊंगा, इन्वेस्टमेंट के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले दो तीन क्वेश्चन पूरे इन्वेस्टमेंट के देख लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट पे आपके कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको 100% जमना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। पीक्यूआर लिमिटेड एट द फॉलोइंग बैलेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 17-18 इज 85,000, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 18-19, ध्यान दो एंड एंड लिखा है तो ग्रामर में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ओपनिंग कौन सा है क्लोजिंग कौन सा है, इसीलिए उन्होंने ईयर दिया है 17-18 का एंड, 17-18 का एंड और 18-19 का एंड, मतलब ये 17-18 का जो एंड है ये 18-19 का बिगनिंग होगा, पता है ना बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं अकाउंट्स में, तो घुमा के दिया है ये, मतलब क्या है 18-19 अपना एक्चुअल ईयर होगा, उसका क्लोजिंग यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है और ये आपको उसका ओपनिंग मानना है, ठीक है, और क्लोजिंग है 70,000, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है 18-19 का, 18-19 का ओपनिंग बैलेंस है 85,000 और क्लोजिंग है 70,000, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो ओपनिंग बैलेंस था, ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कि ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का आपको 40% लेना है, और कितने में बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, काय का 50%, कॉस्ट का, कॉस्ट जितना भी होगा 40% जो आप ये अमाउंट निकालोगे उस पे 50% और जोड़ के उन्होंने बेचा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताइए इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट से कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अकाउंट पूरा पढ़ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है टोटैलिटी में। सबसे पहले मुझे बताओ कसम खा के कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट क्या टाइप का अकाउंट है, तो
आई होप आपको पता होगा, रियल अकाउंट है, एसेट है, नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। अब आपको पहले मैं फटाफट लेजर के रूल्स बता देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि ना पता हो, ठीक है, कि आप क्या करते हो। लेजर में क्या होता है कि जो भी बैलेंस है, रियल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता ही होगा, एसेट्स में रियल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस को लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो अगर डेबिट बैलेंस है और आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है, डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग है, तो ओपनिंग जो साइड का बैलेंस है उसी साइड लिखते हैं, ओपनिंग वाला बैलेंस जो साइड का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस सेम साइड आता है, तो टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी अमाउंट है यहां पे लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस सेम साइड आता है। ये मैं एसेट अकाउंट ले रहा हूं, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए मैंने ओपनिंग डेबिट साइड लिखा। अब क्लोजिंग में उल्टा होता है, आई होप आपको पता होगा, क्लोजिंग बैलेंस निकालते वक्त हम क्या करते हैं, अकाउंट को बंद करते हैं। अकाउंट को बंद कैसे करते हैं कि जो साइड छोटी होती है, जो साइड छोटी होती है उस साइड में आप अमाउंट लिखते हो, तब जाके वो अकाउंट बंद होता है। मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो उल्टे साइड दिखता है, तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट साइड तो ज्यादा होगी। मेरे एक्सप्लेनेशन वर्ड्स को अच्छे से सुनना है, सुनोगे नहीं तो नहीं समझेगा, फिर कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को सुनो, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है और मैं बंद कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं अकाउंट को, तो जो साइड ज्यादा है मैं उस साइड कैसे लिख सकता हूं, और वहां से मैं माइनस भी नहीं कर सकता क्योंकि लेजर अकाउंट में माइनस करते नहीं है, आपको पता होगा लेजर में कोई भी साइड में माइनस साइन अलाउड नहीं है। तो अगर मुझे डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को क्लोज करना है तो डेबिट साइड की टोटल ऑलरेडी ज्यादा है, मैं वहां कुछ नहीं लिख सकता, उसको बंद करने के लिए मुझे जो साइड छोटी है यानी कि क्रेडिट साइड जो छोटी होगी उस साइड में मुझे वो बैलेंस को लिखना पड़ेगा, तब जाके दोनों साइड इक्वल होंगे और अकाउंट बंद होगा। लेजर अकाउंटिंग 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो उल्टे साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टे साइड आता है क्योंकि जो बैलेंस है उस साइड की टोटल तो ज्यादा होती है, उस साइड में कैसे लिखोगे, उल्टे साइड लिखोगे, तब जाके वो टोटल्स टैली होती है और अकाउंट बंद होता है, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन, तो यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस वाला ऐसा होगा, ध्यान देना है, डेबिट बैलेंस वाले सारे जो अकाउंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, एसेट, कैश बैंक, सारे अकाउंट में ऐसा ही होगा। ओपनिंग डेबिट डेबिट साइड आएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग है, शुरुआत हो रही है, पूरा अकाउंट खाली पड़ा है, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ही पोस्ट करेंगे क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी और अब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस सेम साइड आता है और क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड आता है क्योंकि आपको अकाउंट को क्लोज करना है, कैरी फॉरवर्ड मतलब ब्रॉट डाउन नहीं कर रहे आप क्लोज कर रहे हो अकाउंट को, तो क्लोज कैसे होगा, जो साइड छोटी है वहां पे आपको लिखना होता है। सिमिलरली लाइबिलिटी के सारे जो अकाउंट होंगे, लाइबिलिटी अकाउंट्स में होता है सर क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल अकाउंट, लोन अकाउंट, सब अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, वो सब लाइबिलिटीज हैं, तो उसमें क्या करेंगे बोलो। अब इसमें क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग कैसे लिखेंगे, जो साइड का बैलेंस है उसी साइड लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग है, तो यहां आएगा क्रेडिट साइड में, बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखोगे, उल्टे साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा है, ज्यादा साइड वाले नहीं लिख सकते क्लोजिंग, उल्टे साइड लिखना पड़ेगा, तो यहां आएगा टू क्लोजिंग बैलेंस। बस ये आपको समझ में आ गया तो बस पूरा चैप्टर इजी है, ठीक है, बस ये आ गया तो मतलब सब इजी है, ठीक है। मैंने जितना बेसिक बताना चाहिए था मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए सर, तो ये बस आपको ध्यान देना है फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। बोलो अब एसेट अकाउंट में और क्या क्या होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे आते हैं, मतलब यहां आएगा टू ओपनिंग बैलेंस, यहां आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फटाफट बताओ कि इन्वेस्टमेंट में और क्या क्या एंट्री होती है, ओपनिंग क्लोजिंग तो आएगा ही, अब इन्वेस्टमेंट आप परचेस करोगे तो एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट आएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो पोस्टिंग यहां पे आएगी टू कैश बैंक, ठीक है। ये क्या है, परचेस, या फिर आप सेल करोगे, सेल सेम प्रॉफिट या लॉस में होगा, बोलो एंट्री क्या क्या होती है, अमाउंट ले लो 1 लाख के, 1,20,000 में आपने बेचे तो क्या होगा, एंट्री बोलो, सेल की एंट्री क्या होगी,
पैसे आएंगे, बेच रहे हो तो पैसे आएंगे, कैश बैंक डेबिट, कितना पैसा आएगा प्रॉफिट मिला के 1,20,000। फिर इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे, सेल में जाते हैं तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्रेडिट कॉस्ट पे 1,00,000, और जो 20,000 एक्स्ट्रा आपको मिले, 1,00,000 के एसेट्स गए हैं लेकिन पैसे 1,20,000 आए हैं, तो 20,000 आपका प्रॉफिट है जो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आएगा 20,000, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को देखो क्या किया हुआ है, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया हुआ है 1,00,000 में। तो यहाँ मैं क्या जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में जाऊँगा और यहाँ लिखूंगा बाय कैश बैंक, लेकिन अमाउंट लिखूंगा 1,00,000, क्योंकि मैं कैश को डेबिट नहीं कर रहा यहाँ पे, वो तो कैश को डेबिट किया गया 1,20,000 से, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कितने से किया हुआ है, 1,00,000 रुपये से, तो अमाउंट आएगा 1,00,000, क्लियर है। या इसका एक और ऑप्शन होता है, दो तरीके होते हैं। ये पहला तरीका है कि सेल में, जब भी आप इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कितने से करोगे, कॉस्ट से। मैंने बातों बातों में बताया भी होगा कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे ही क्रेडिट होता है, डेबिट भी कॉस्ट पे होता है, क्रेडिट भी कॉस्ट पे होता है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट दिखाना उसका काम नहीं है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी एक तरीका है। एक और तरीका होता है, ठीक है, वो होता है कि आप यहां आप 1,20,000 लिख दो और यहां आप दिखा दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, ठीक है। टोटल सेल वैल्यू 1,20,000 ही दिखाओ, लेकिन आप वहीं के वहीं उसी अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है। तो बाय कैश मैंने पूरा लिखा, ग्रॉस अमाउंट 1,20,000, तो मुझे अब ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, टू पीएनएल 20,000, तो आप ये भी लिख लो। नेट इफेक्ट तो सेम ही हुआ, क्रेडिट किया 1,20,000 से, डेबिट किया 20 से, नेट क्रेडिट 1,00,000 ही हुआ है। तो प्रेजेंटेशन दोनों चलती है, कोई सही गलत नहीं होती है, जैसा आपको समझ में आता है वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, अब मैं वो फॉलो करूंगा जो मुझे जमती है, वो है कॉस्ट पे, कॉस्ट पे क्रेडिट होगा 1,00,000, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में कोई डेप्रिसिएशन आता नहीं है, आपको पता ही होगा इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कुछ आता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट में इतना ही होता है, ओपनिंग क्लोजिंग, खरीदना बेचना, खरीदना भी कॉस्ट पे होता है, बेचना भी कॉस्ट पे होता है, आई ख्याल में चार ही एलिमेंट है। अब इसमें आपको तीन एलिमेंट दिए रहेंगे और चौथा एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है, प्लस माइनस मैं इसलिए मना करता हूं क्योंकि कभी आपको परचेस निकालने के लिए बोल देंगे, कभी आपको सेल निकालने के लिए बोल देंगे, तो प्लस माइनस साइन उल्टे हो जाते हैं। जब आप परचेस निकाल रहे हो तो ओपनिंग क्लोजिंग का साइन उल्टा होता है, और जब आप सेल निकाल रहे हो तब उल्टा होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्लस माइनस से आप याद मत रखो, कि कभी वो परचेस पूछ सकते हैं तो आप परचेस के हिसाब से याद कर लोगे, पर क्वेश्चन में अगर सेल आपको हिडन फिगर निकालना है तो आप उल्टा कर लोगे। तो इसलिए प्लस माइनस करना ही नहीं है, अकाउंट बनाओ और एकदम सिंपल यूज कर लो, ठीक है। क्लियर है, पूरा बेसिक क्लियर है। चलिए सर, अब बताओ क्या करना है, बोलो। मैं अकाउंट बना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बोलो सर। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, तो ओपनिंग में डेबिट साइड लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वो है 85,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा क्रेडिट साइड, मतलब बैलेंस डेबिट ही है लेकिन डेबिट साइड ज्यादा होती है, इसलिए क्लोजिंग में उल्टे साइड लिखूंगा और वो है 70,000। अब बोला है कि आपने कुछ सेल किया है तो आप इससे सेल वैल्यू निकाल सकते हो, आप इससे सेल वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो 40% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, 40% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है सर, 85,000। 85,000 का 40% ये आता है 34,000। ये 34,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इस पे अभी प्रॉफिट ऐड करो, इसी का 34,000 जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी का 50% प्रॉफिट है, प्लस 50%। बोलो कितना गया, मतलब सेल वैल्यू कितनी होंगी, 51,000 आ रहा है। सेल वैल्यू आ गई 34,000 प्लस 50% यानी कि 51,000। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, 34,000 के कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट आपने 51,000 में बेचे तो क्या एंट्री होगी, बोलो। कैश बैंक आएगा 51,000, पैसे आएंगे 51,000 सेल वैल्यू, टू इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट करोगे कॉस्ट से 34,000, और सर जो आपका प्रॉफिट है 17,000 वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसी एंट्री पास होगी। तो पोस्टिंग करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, पोस्टिंग करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्या इफेक्ट है, क्रेडिट कर रहे हैं 34,000 से, तो यहां आएगा बाय कैश बैंक लेकिन अमाउंट आएगा 34,000। अब डेबिट साइड में आपका हिडन फिगर है, मतलब कुछ खरीदा होगा,
कुछ खरीदा होगा, ठीक है, तो टू परचेस यानी कि कैशबैक, बोलो कितना आएगा। क्रेडिट साइड टोटल कर लो, फिर डेबिट साइड का वो माइनस कर दो, क्योंकि हिडन फिगर डेबिट साइड है, तो क्रेडिट के दोनों ऐड करो, 34,000 प्लस 70,000 माइनस 85,000, तो ये आएगा 19,000, ये आएगा 19,000, ठीक है। तो 51,000 पैसा आया, ये होगा कैश इनफ्लो, सेल से कैश इनफ्लो आता है, और परचेज से आएगा सर कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो कैश इनफ्लो 51 एंड कैश आउटफ्लो 19, आए ख्याल में। अब इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप प्लस माइनस से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि और तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं सर, जितना दिमाग है उतना तरीका बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं, कैलसी में भी निकलता है, पर इसको जब घुमाएंगे आप, प्रॉब्लम है आपको आदत होनी चाहिए, आपको पूरा पिक्चर क्या होता है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। हर चीज शॉर्टकट में नहीं आएगी, आए ख्याल में। तो ये प्रॉपर तरीका है। अब इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो एम प्लस एम माइनस से, ठीक है। बोलो कैसे करोगे, यही जो डेबिट क्रेडिट है यही एम प्लस एम माइनस है ना, यही एम प्लस एम माइनस है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि अब ये आपको बस अगर अंदाजा है कि यार हिडन फिगर डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है, इतना भी अगर आपको अंदाजा आ गया कि भैया परचेज डेबिट साइड में दिखता है, मतलब क्रेडिट के दोनों आंकड़े दिए होंगे, तो क्रेडिट के दोनों आंकड़े आप एम प्लस कर सकते हो, इसको आप एम प्लस कर सकते हो, इसको आप एम माइनस करो, एम आर सी आप दबाओगे तो आपको हिडन फिगर कैलसी पे भी मिल जाएगा, या सीधे सीधे आप जो मैंने बताया कि ओपनिंग का 40% ले लो, 34,000 आएगा, प्लस 50% कर दो तो आपको 51,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के और भी अपन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ मैं पास्ट पेपर से करवा रहा हूँ, ठीक है, न्यू सिलेबस के पास्ट पेपर से मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। ये आपको आ गया ना, ठीक है, आ जाओ सर, ठीक है। पेपर कौन सा है सर, पेपर है दिसंबर 2019 CMA न्यू सिलेबस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हो, या मेरा हुआ तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 40 हम देखेंगे, 40 और एक है 45, दो ये इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन आपको आ चुके हैं, ऑलमोस्ट देखो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान दो। पहले आ जाओ 40 पे, ये तो एग्जैक्टली सिमिलर है, वर्डिंग्स भी सिमिलर है, ठीक है, ध्यान दो, आ जाओ, दिख रहा है। पूजा लिमिटेड हैड इन्वेस्टमेंट ऑफ 68 lakhs एज ऑन 31st मार्च 2018 एंड दैट ऑफ 81 lakhs एज ऑन 31st मार्च 2019, बरोबर। यानी ये क्या है, ओपनिंग, फर्स्ट अप्रैल नहीं दिया है, 31st मार्च दिया है, ठीक है, पर है ये ओपनिंग। आपका ईयर कौन सा है, 18-19 आपका फाइनेंशियल ईयर है, और ये 68 लाख आपका ओपनिंग है और 81 लाख आपका क्लोजिंग है, ठीक है, क्लियर है, सेम तरीके से दिया है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज सोल्ड 30% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, सेम, एट अ प्रॉफिट ऑफ 9,60,000, ठीक है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो विल बी सेम है, देखो सेम है, नंबर बदल के सेम लैंग्वेज में पूछा हुआ है, बताओ यही के यही मैं अकाउंट बना लेता हूं। बोलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग ले लो डेबिट में सर 68, क्लोजिंग ले लो क्रेडिट में सर 81। बार बार अब मैं लॉजिक रिपीट नहीं करूंगा, एक बार बता दिया अब सीधे मैं लेते जाऊंगा, ठीक है, लॉजिक मैंने एक साथ आपको बता दिया है। चलिए सर, अब मुझे बताओ ये सोल्ड का क्या होगा, सोल्ड का अमाउंट और एंट्री क्या होगा। बोलो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 68 lakh, तो 68 ले लो स्क्रीन पे कैलकुलेटर पे, इनटू 30%, यानी कितने कॉस्ट के वो इन्वेस्टमेंट होंगे, 20.4 कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट, 20,40,000, 20.4 मतलब 20,40,000, और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है 9,60,000, तो 9.6 ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड होता है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल वैल्यू आती है, ठीक है, तो इसी में प्लस 9.6 कर लो लैक्स में ही, तो आपका 30 आ जाएगा, यानी 30 लैक्स में आपने उसको बेचा है, 20.4 लैक्स के इन्वेस्टमेंट्स आपने 30 लैक्स में बेचे तो आपको 9.6 लैक का प्रॉफिट हुआ, क्लियर है। तो एंट्री क्या होगी, बोलो, कैश बैंक डेबिट 30 लैक्स टू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे आएंगे 20.4,
और प्रॉफिट जाएगा सर पीएनएल में, वो आएगा 9.6 दिया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका क्या इफेक्ट आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश बैंक, कितने कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट बेचे 20.4, तो मैं कॉस्ट से क्रेडिट करूंगा 20.4। अब मतलब हिडन फिगर निकालो कि कितने के खरीदे होंगे, सेम पहले क्रेडिट साइड के टोटल ले लो, 20.4 प्लस 81 माइनस 68, तो 33.4 के आपने और परचेस किए होंगे, 33.4 का आपने और परचेस किया होगा। ठीक है, बोलो सर आंसर क्या होगा। इनफ्लो क्या होता है सर, सेल, तो सेल वैल्यू क्या था यहां निकाला था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपको 30 लाख मिले थे, ठीक है, तो 30 लाख इनफ्लो आएगा। और आउटफ्लो क्या आता है, परचेस, आउटफ्लो क्या आता है, परचेस, परचेस कितना आया 33.4, तो 30 एंड 33.4 एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो लिखो, सेम आपको कैलकुलेटर पे करना है, आप कैलकुलेटर पे करो, प्लस माइनस से करना है प्लस माइनस से करो, कहीं से भी कुछ भी करो, बस आंसर लाओ 33.4। ठीक है, नन ऑफ योर बिजनेस कि आप कैसे ला रहे हो, टिल द टाइम आपको समझ रहा है कि आप कैसे ला रहे हो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एकदम पजेसिव नहीं हूं पजेसिव टीचर नहीं हूं कि नहीं आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैथ्स है, जैसा करना है करो, बस आंसर सही लाओ, कॉन्फिडेंस से लाओ, कॉन्फिडेंस जरूरी है। ठीक है, चलिए एंट्री भी मैंने आपको बता दी, क्लियर है। चलिए सर अब एक और इन्वेस्टमेंट का फटाफट देख लेते हैं सर, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए 45 क्वेश्चन है। मिथु लिमिटेड हैज इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19, यानी ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ओपनिंग है 1095, क्लोजिंग है 1082, बैलेंस कम हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट, अब एकदम हटके ही एडजस्टमेंट है, एक्चुअली मैं भी सरप्राइज था जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा कि यार न्यू सिलेबस में ये कहां से आ गया, क्योंकि ये एक्चुअली AS 13 का एडजस्टमेंट है, AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, उसका एक्चुअली ये ट्रीटमेंट है, जो कि आपके शायद बुक में ठीक से दिया भी नहीं हुआ, बट उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। अब ये सिमिलर क्वेश्चन आप डिबेंचर में, ये एडजस्टमेंट या इसका थोड़ा सा रेफरेंस डिबेंचर चैप्टर में आता है, ठीक है, डिबेंचर चैप्टर में आता है इसका रेफरेंस, या इवन कंसोलिडेशन में भी आता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। पर ये क्या है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, पहले लाइन पढ़ लेता हूं मैं, क्या है, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, ठीक है, साल में इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे नॉर्मल है 77,000, यहां तक सब सेम है। अब आगे पढ़ो क्या है, विच वॉज यूज्ड इन राइटिंग डाउन द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब ये सर क्या होता है, काफी लोगों को पता ही नहीं कि होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट्स में आपको कंसेप्ट होगा प्री और पोस्ट का, याद आ रहा है, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है, कंसोलिडेशन में तो आता ही है, कंसोलिडेशन में तो आता ही है, डिबेंचर में भी हल्का बोल का इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। अब ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट अलग है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट अलग है, इसका यहां कोई लेना देना नहीं है, ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन है, एग्जैक्टली कंसोलिडेशन का एक्चुअली इफेक्ट है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इंटरेस्ट अक्रू होता है, बेसिक देखो सब तगड़ा होना चाहिए आपका, इंटरेस्ट अक्रू होता है, वो हर रोज अक्रू होता है, मतलब आप इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो, आप इंटरेस्ट कमाते जाते हो, भले रिसीव आपको हाफ ईयरली होता होगा, साल में एक बार रिसीव होता होगा, रिसीव कभी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कमाई कब होती है, हर रोज, इंटरेस्ट इज अक्रूइंग एवरी डे, आई ख्याल में। तो अगर आपने आपका सपोज इंटरेस्ट का पेमेंट डेट है 30 सितंबर, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है 30 सितंबर और 31 मार्च को ये पे होता है। अब जब आप सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्टमेंट्स खरीदते बेचते हो, आप तो कोई भी डेट पे खरीदोगे बेचोगे, क्या आप वेट करोगे, नहीं यार 30 सितंबर होने दो उसके बाद 1 अक्टूबर को ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स तो रोज खरीदे बेचे जाते हैं। तो अगर आपने यहां पे 1 जनवरी को खरीदा है, 1 जनवरी को आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो सेकेंडरी मार्केट से, और पिछला इंटरेस्ट क्या पे हुआ है, 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट तो पे हो चुका होगा, वहां तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ईयर का जो पार्ट का इंटरेस्ट पे हो चुका है, अक्रू भी हो गया है, पे भी हो गया है, उसका कोई लेना देना नहीं। प्रॉब्लम आता है सर कि जहां से वो अक्रू हुआ है
और डेट ऑफ एक्विजिशन जो है, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका क्या होगा, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक 3 महीने का जो इंटरेस्ट है ये तो अक्रू हो गया होगा, ये तो अक्रू हो गया होगा ना, जो आपको बेच रहा है, जो आपका सेलर है, ये उसकी कमाई है। पर अब क्योंकि आप एक्वायर कर रहे हो, बीच पीरियड में आप एक्वायर कर रहे हो, 31 मार्च को आपके पास होगा, तो आपको तो कंपनी से डायरेक्टली 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये कंसेप्ट बस समझ में आना चाहिए तो ही ख्याल में आएगा, नहीं तो फिर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, और मैं रिविजन क्लास में इतना डिटेल में नहीं ले सकता, ठीक है। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, समझो बात को, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। जिसके भी हाथ में इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके भी हाथ में इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनी उसको सीधे 6 महीने का ब्याज दे देगी, वो नहीं देखेगी कि कितने पीरियड के लिए आपने होल्ड किया था। तो जो सेलर है आपका, जिससे आपने खरीदा, वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि 3 महीना मैंने होल्ड किया है, तो ये तो उसकी कमाई हुई, तो वो आपसे परचेस के प्राइस में ऐड करके ले लेगा, वो परचेस के प्राइस में ऐड करके ले लेगा आपसे, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट थे 1 लाख रुपए कॉस्ट के, और 2000 का अगर वो इंटरेस्ट था, अक्रूड बट नॉट ड्यू, इसको क्या कहते हैं, अक्रूड बट नॉट ड्यू, डिबेंचर में आप पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो आपको बेचेगा 1,02,000 में, मतलब आप कितने में परचेस करोगे, 1,02,000 में। लेकिन आपको भी पता है कि ये 1,02,000 के नहीं है, वो 1,00,000 के हैं, 2,000 तो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, जो अक्रू हो चुका है, जो बाद में आप ही को मिलने वाला है, आप ही को मिलेगा बाद में ड्यू डेट पे, तो बस आप टाइमिंग के लिए उसको दे रहे हो, बाद में आपको वापस मिलेगा, आई ख्याल में। तो आप इन्वेस्टमेंट को कितने पे रिकॉर्ड करते हो सर, 1,02,000 पे, 1,02,000 पे आप रिकॉर्ड करते हो, आई ख्याल में। और 6 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद, आपके परचेस के 3 महीने बाद आपको 6 महीने का ब्याज मिलेगा, यानी कि 2 और 2, 4,000 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब मुझे बताओ आपकी एक्चुअली अक्रूअल के हिसाब से कितनी कमाई होनी चाहिए, अक्रूअल के हिसाब से आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए, आपने कब खरीदा, 1 मार्च को, कब तक होल्ड किया, 31 मार्च तक, 1 जैन से 31 मार्च, यानी 3 महीने आपने होल्ड किया, तो आपकी कमाई तो 3 महीने होनी चाहिए, लेकिन आपको रिसीव तो 6 महीने का ब्याज हुआ है। तो यहां ये लाइन का रोल आता है कि जब 6 महीने का ब्याज आपको मिलेगा, 3 महीना तो आप ही की कमाई है, वो आप ही का है, आप रख लो और 3 महीने की कमाई में ट्रांसफर भी कर लो, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 महीने का ब्याज मिला है ये इन्वेस्टमेंट में से जाके माइनस करो, ये AS 13 कहता है, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको 4,000 रिसीव होगा, रिसीव तो होगा, कैश फ्लो है, रिसीव होगा, कैश फ्लो में आएगा, लेकिन आपको इसको स्प्लिट करना है, 2,000 आपको इसको इनकम में लेना है जो आपका है, और 2,000 जो है वो प्री एक्विजिशन है, आपने खरीदते समय इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है, 1,00,000 की जगह कितना रिकॉर्ड किया इन्वेस्टमेंट, 1,02,000 रिकॉर्ड किया है, वो 2,000 को रिवर्स करो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है ही नहीं, वो तो इंटरेस्ट था जो आपने पे किया था, जो बाद में आपको मिलने ही वाला है। तो यहां 2,000 है जो इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है, आई ख्याल में। तो यहां वो 2,000 आप ऐसा क्रेडिट करोगे, तो नेट नेट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपकी 1,00,000 ही दिखेगी, जितनी एक्चुअली होनी चाहिए, आई ख्याल में। ये पूरा कंसेप्ट है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, या डेट सिक्योरिटी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो आपका 10,95,000 ओपनिंग दिख रहा है, मतलब इसमें आपने जब खरीदा था तो 77,000 का इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके रिकॉर्ड किया था, आ रहा है कुछ समझ में? ये आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि 1095 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बाद में हमको रिसीव हुआ तो वो हम माइनस कर लेंगे, आए ख्याल में। तो अब यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, ओपनिंग डेबिट साइड आता है 1095, क्लोजिंग 1082, ठीक है। और अब मुझे बताओ 77,000 का क्या होगा, उन्होंने कहा है 77,000 आपको इंटरेस्ट मिला है जो आपने इन्वेस्टमेंट में से माइनस किया, क्यों माइनस किया होगा, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट होगा। तो आपने एंट्री क्या पास की होगी वो मुझे बताओ, पैसे आए 77
है तो इंटरेस्ट ही ना, 77 आएगा, कैश फ्लो में आएगा, लेकिन आपने यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया, टू पीएनएल नहीं किया। अगर आपकी कमाई इंटरेस्ट की जो आपकी रेवेन्यू है वो मिलता है तो हम क्या करते हैं, टू पीएनएल करते हैं, पर ये प्री एक्विजिशन है तो यहां आएगा, आया होगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपने इन्वेस्टमेंट में से इसको राइट डाउन किया है, नॉक ऑफ किया है, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है, इसलिए उसमें वर्ड यूज किया गया है राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब है माइनस करना, तो आपने ये एंट्री पास की होगी। तो ये जो 77,000 है, 77,000 ये इनफ्लो में आएगा, एक्चुअली पैसा आया है, और अब मैं इन्वेस्टमेंट को जो आपने क्रेडिट किया होगा उसकी पोस्टिंग कर रहा हूं, उसकी पोस्टिंग कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में, साइट में जाके मैं लिखूंगा बाय कैश बैंक 77,000, आए ख्याल में। और अब यहां पे आपको निकालना है कि आपने कितने वैल्यू के इन्वेस्टमेंट परचेस किए होंगे, ठीक है, परचेस का हिडन फिगर आपको निकालना है, निकालो क्रेडिट साइड के टोटल मारो, 10,82,000 प्लस 77,000 तो टोटल आती है 11,59,000, आ रही है क्रेडिट की टोटल आ रही है 11,59,000। अब माइनस करो 10,95,000 तो आपने परचेस किया होगा 64,000, परचेस किया होगा 64,000। बोलो क्या ऑप्शन आएगा, आंसर पूछा क्या है, देन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉम इंटरेस्ट विल बी, बोलो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, बोलो इनफ्लो आया होगा 77,000 इंटरेस्ट का, और आउटफ्लो है परचेस का 64,000, आया ना, ये हो गया कैश आउटफ्लो और ये हो गया इंटरेस्ट का कैश इनफ्लो, आ रहा है ख्याल में। तो ये आपका आंसर है, लिखो, लिख लो, बना लो भले, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, या मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्लियर है। तो बस ये आपको करना था कि 77,000 इन्वेस्टमेंट में से नॉक ऑफ हुआ है, तो लॉजिक पूरा, बैकग्राउंड पूरा बता दिया, तो उसमें लेना है हिडन फिगर, परचेस निकल जाएगा वो आपका कैश आउटफ्लो होगा, और जो ब्याज एक्चुअली कैश में मिला है वो इनफ्लो में देखेगा, ठीक है। ऐसे दो इफेक्ट आएंगे, तो यही है, तीन क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब कुछ रेगुलर क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो कुछ रेगुलर क्वेश्चन कर लेते हैं, रेगुलर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ, इन्वेस्टिंग का ही पढ़ते हैं, इन्वेस्टिंग में ही एक नॉर्मल रेगुलर क्वेश्चन भी है, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पे आ जाओ, बोलो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ठीक है, यानी अदर एंटरप्राइज, रेगुलर नॉर्मल एंटरप्राइज के बारे में बात की जा रही है, नहीं भी दिया होता तो हम अदर एंटरप्राइज ही मानते हैं, जब तक खुद होके लिखा ना हो कि ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तब तक मानना नहीं, साइलेंट है क्वेश्चन तो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज मान के ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो लिखा ही है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। बोलो परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड, इतने सारे एलिमेंट दिए, और आपसे पूछा गया है बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा। पहले तो आपको ये फिल्टर करना है कि कौन से आइटम इन्वेस्टिंग के हैं, कौन से नहीं है, जो नहीं है पहले उनको हटा दो, गलती से ऐसा ना हो ले लो। बोलो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यस इन्वेस्टिंग है, फिक्स्ड एसेट वर्ड आया मतलब इन्वेस्टिंग में है, इक्विपमेंट वर्ड आया मतलब यस इन्वेस्टमेंट में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब ध्यान दो इन्वेस्टिंग में सब रिसीव्ड वाले आते हैं, रिसीव्ड वाले आते हैं, ब्याज मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, रिसीव्ड रिसीव्ड वाले इन्वेस्टिंग में आते हैं, लेकिन पेड और पेड वाले कहां आते हैं, फाइनेंसिंग में आते हैं, ठीक है, तो ये रिसीव्ड है तो आएगा, ये लिखो लिखा है पेड मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है, 6,000 नहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, यस इन्वेस्टिंग पे मिलता है तो आएगा, पेड डिविडेंड पेड वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है, दो एलिमेंट आपको नहीं लेने, बाकी इनफ्लो है तो प्लस में लेना है, आउटफ्लो है तो माइनस में लेना है, प्लस माइनस करके कैलसी आपको जवाब दे देगा, ठीक है। बोलो तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आउटफ्लो है, नेगेटिव साइन में आएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट मतलब इनफ्लो है 35,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा ही है रिसीव्ड यानी कि पॉजिटिव आएगा, फिर है डिविडेंड रिसीव्ड ये भी पॉजिटिव आएगा 4,000। बोलो नेट इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में नेट क्या आएगा, पहले पॉजिटिव वाले ऐड कर लो, 35,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 माइनस 40,000 तो नेट नेट आएगा 2,000 प्लस, प्लस मतलब इनफ्लो, आए ख्याल में।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस यही ध्यान देना है कौन से एलिमेंट अपने एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, उनको पहले हटा दो। अब फिनांसिंग और इन्वेस्टिंग तो डायरेक्ट मेथड से ही होता है, डायरेक्ट एड लेस करना होता है, तो अदर हेड्स का है तो एलिमिनेट कर दो, और इनफ्लो है कि आउटफ्लो है बस उतना ध्यान दो, इनफ्लो में पॉजिटिव साइन आनी चाहिए और आउटफ्लो में नेगेटिव साइन आनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है और कैलकुलेटर बरोबर चलाना है, तो आपका आंसर 100% सही आएगा। क्लियर है? चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अब एक दो जगह पे फंड फ्लो वर्ड याद आएगा तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, फंड फ्लो कैश फ्लो ऑलमोस्ट सिमिलर वे में ही सॉल्व होते हैं, तो आप टेंशन मत लो, फंड फ्लो आ भी रहा है तो आप कैश फ्लो सोच के सॉल्व करो। चलिए बोलो क्या आएगा। एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी, ध्यान दो, दूसरे कंपनी के एसेट्स आप खरीद रहे हो, एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी वे परचेज फॉर 60,000, 60,000 वैल्यू के आपने एसेट्स खरीदे हैं, और जो आपने कैसे पे किए, फुल्ली पेड अप शेयर्स से, मतलब ये वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि नॉन कैश एंट्री है, नॉन कैश एंट्री है, तो नॉन कैश एंट्री का इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि उसका कैश फ्लो में कहीं इफेक्ट आता ही नहीं है, मतलब उसमें कैश का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो आपने 60,000 के एसेट्स लिए हैं, उसमें ब्रेकअप दिया हुआ है, स्टॉक लिया है दूसरे कंपनी का, मशीनरी खरीदी है उसकी, और गुडविल के लिए आपने पैसा दिया, इसकी भी टोटल आप लोगे तो 60,000 ही आएगा, एसेट भी 60,000 के है और शेयर्स भी आपने 60,000 के ही दिए हैं, कैश का कोई लेना देना नहीं है, तो पूरा का पूरा आपको इग्नोर करना है। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन सन्ड्री परचेसेस, यानी अदर छोटे मोटे परचेसेस, सन्ड्री परचेसेस ऑफ प्लांट, प्लांट में ही कुछ और प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स आपने खरीदे फॉर 5,650, अब कुछ नहीं दिया है, इन एडिशन लिखा है, मतलब ये वो अनदर कंपनी वाला नहीं है, ये अलग से आपने लिया है, तो मतलब जाहिर सी बात है कैश में लिया होगा, यहां थोड़ी शेयर्स दिए आपने 60,000, वो तो पूरा हिसाब किताब अलग हो गया, 5,650 आप कुछ नहीं बोला है तो मतलब आपने कैश में दिया होगा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द फंड फ्लो को आप कैश फ्लो समझ लो, अंडर प्लांट एंड मशीनरी परचेस एप्लीकेशन, प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप क्या अमाउंट यूज करोगे, बस 5,650 यूज करेंगे, क्यों सर, क्योंकि 60,000 तो नॉन कैश था, भले उसमें प्लांट भी था यानी मशीनरी, उसमें मशीनरी भी था, लेकिन फिर भी हम वो यूज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा वो ट्रांजेक्शन ही नॉन कैश था, और प्लांट में सिर्फ कितना आएगा 5,650, वो भी आउटफ्लो आएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए देखो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले देखो सिर्फ 18,000 दिया है, 18,000 का है मशीनरी का, पर वो नॉन कैश में लिया हुआ है तो वो नहीं आएगा, फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो प्लस माइनस करके आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर आएगा 5,650, वो ही सिर्फ कैश में हुआ है तो उसका आउटफ्लो दिखेगा, एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। तो कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, कुछ नहीं है, वर्किंग कुछ नहीं है, लॉजिक बेस्ड है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक प्लांट का क्वेश्चन कराता हूं, चलिए इन्वेस्टिंग में ही पूरा पहले कर लेते हैं, प्लांट का एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। पास पेपर से ही करवा देता हूं, ये है 44, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका भी पूरा मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं, आपने हो सकता है वैसा ना पढ़ाओ जैसा मैं पढ़ाऊंगा। चलिए प्लांट के केस में क्या होता है, ठीक है, दो इसमें प्रेजेंटेशन के मेथड्स होते हैं, एक होता है ग्रॉस ब्लॉक मेथड, एक होता है ग्रॉस ब्लॉक मेथड और एक होता है नेट ब्लॉक मेथड, कंपनी के केस में होता है ग्रॉस ब्लॉक नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक मतलब नॉर्मल जो आप बचपन से पढ़ते हो, बचपन से आप क्या पढ़ते हो, एसेट साइड में बैलेंस शीट में क्या होता है, डायरेक्ट एसेट का वैल्यू आता है बिल्डिंग, या इसमें आप WDV लिखते हो, पहले WDV माइनस ओपनिंग WDV माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और क्लोजिंग WDV आप आउटर कॉलम में लिखते हो, ये होता है नेट ब्लॉक मेथड। मतलब इसमें कहीं भी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी वो रिकॉर्ड ही नहीं होती, अगर आपके बैलेंस शीट में ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो नहीं दिख रही है तो वो नेट ब्लॉक मेथड है, और अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पूरी दिखा रहे हो और अभी तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिखा रहे हो और फिर माइनस करके WDV दिखा रहे हो तो वो होता है ग्रॉस ब्लॉक मेथड, ठीक है। तो ग्रॉस ब्लॉक मेथड में क्या होगा, बिल्डिंग ही होगी लेकिन ग्रॉस वैल्यू दी रहेगी, जितने में आपने खरीदा ओरिजिनल कॉस्ट, और फिर माइनस करेंगे अक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन, मतलब खरीदने से लेके इस साल के एंड तक, खरीदने से लेके इस साल के एंड तक का पूरा डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हो, और आउटर कॉलम में इसमें भी WDV ही आती है, मतलब आउटर वैल्यू दोनों की सेम होती है। ऐसा नहीं कि मेथड बदलने से अमाउंट बदल जाते हैं, सेम होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, आई ख्याल में। और ये वाली जो मेथड है इसमें खासकर क्या होता है कि बिल्डिंग अलग अकाउंट होता है जो ग्रॉस वैल्यू पे मेंटेन होता है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट होता है, दो अलग अलग अकाउंट बनते हैं, आई ख्याल में। तो अलग तरीका है, मैं पूरा बता देता हूं पहले। तो नेट वाला तो आपको पता ही है, नेट में कुछ ज्यादा होता नहीं है, मेन होता है ग्रॉस वाला। तो ग्रॉस वाले में क्या होगा, अगर मैं बिल्डिंग अकाउंट की बात करूं, ये ग्रॉस पे रिकॉर्ड होता है। और जब मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन के लिए आप अलग अकाउंट बना रहे हो, तो डेप्रिसिएशन तो उसमें चार्ज होगा, वो यहां एसेट अकाउंट में नहीं आता है अंडर ग्रॉस ब्लॉक मेथड। ग्रॉस ब्लॉक मेथड में सिर्फ परचेस और सेल आता है, ग्रॉस ब्लॉक मेथड में एसेट अकाउंट में सिर्फ परचेस या सेल आता है। अगर ग्रॉस ब्लॉक का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब आपने परचेस किया होगा, अगर ग्रॉस ब्लॉक का वैल्यू कम हो रहा है मतलब आपने सेल किया होगा। परचेस सेल का ही इफेक्ट आता है, वो भी कॉस्ट पे ही आता है। तो एग्जांपल लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस बताओ क्या होगा, ये भी रियल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड आएगा, ओपनिंग यहां आएगा, क्लोजिंग यहां आएगा, सेम पैटर्न। परचेस करेंगे तो सेम, बिल्डिंग डेबिट टू कैश बैंक, यहां परचेस आएगा, सेल यहां पे आएगा, बाय कैश बैंक, सेम इन्वेस्टमेंट जैसा ही है पूरा, ठीक है। तो यहां सेल आएगा, और यहां पे भी सेल क्या इस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे। एग्जांपल लेते हैं, सेम पूरा इन्वेस्टमेंट जैसा है, ठीक है, 100,000 का बिल्डिंग था WDV, और आपने 120,000 में बेचा। अच्छा, इसमें पूरा वो फुल बताना पड़ेगा मुझे, सॉरी, इसमें फुल बताना पड़ेगा, ध्यान दो, इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं कि बिल्डिंग का ओरिजिनल कॉस्ट है 500,000, जो आप अभी बेच रहे हो, उस पर अभी तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने 200,000 का चार्ज किया है, यानी उसका WDV कितना होगा, 300,000। 500,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, अभी तक 200,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, तो आपके बुक्स में अभी उसका नेट वैल्यू होगा 300,000। 300,000 का वो एसेट है, अब आप उसको बेच रहे हो, सपोज प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो मतलब वो सेल वैल्यू आएगा 350,000। अब मुझे बताओ इसकी आप एंट्री क्या करोगे अंडर ग्रॉस ब्लॉक मेथड, ठीक है। ग्रॉस ब्लॉक में क्या होगा मैं बताता हूं, पैसे आएंगे, सेल हो रहा है ना, पैसे आएंगे, कितने आएंगे, जितने में बेचा है, कितने में बेचा है, 350,000। एसेट जा रहा है, अब एसेट कितने का जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी वैल्यू थी टू बिल्डिंग, 500,000 रुपए, 500,000 रुपए से क्रेडिट होगा, और इससे रिलेटेड जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको रिवर्स करो, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग बिक गई, बिल्डिंग बिक गई तो उससे रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कैंसिल करना पड़ता है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट बैलेंस आता है, मैं बताऊंगा कैसे। तो क्रेडिट बैलेंस वाले को रिवर्स करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200,000 रुपए, आए ख्याल में। और अब प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 50,000। 50,000 सर कैसे निकाला, WDV माइनस सेल वैल्यू, या सेल वैल्यू माइनस WDV, 350,000 सेल वैल्यू है, नेट WDV कितना था, 300,000, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। और WDV कैसे आता है वो भी लिख लो, WDV इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्लियर है। तो ये एंट्री देखो टैली हो रही है, 350,000 और 200,000, 550,000 और 500,000 और 50,000, 550,000, डेबिट क्रेडिट की टोटल भी टैली हो रही है, आई ख्याल में। अब यहां बिल्डिंग का इफेक्ट क्या है वो देखो, बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है 500,000 से, तो यहां बिल्डिंग क्रेडिट होगी 500,000 से, ठीक है। इफेक्ट बहुत सारे आएंगे, कैश बैंक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नाम अलग अलग आएंगे, वैल्यू होगी 500,000 जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे होगी। तो ये ध्यान देना है कि बिल्डिंग आएगा भी ओरिजिनल कॉस्ट पे, जाएगा भी ओरिजिनल कॉस्ट पे, इस अकाउंट में बस इतना ही आएगा, परचेस या सेल, परचेस या सेल, या राइट ऑफ भी आता है कि पूरा एसेट ही राइट ऑफ कर दिया, जीरो वैल्यू कर दिया, तो भी यहां से जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा, चलिए ठीक है, क्लियर है। ओरिजिनल कॉस्ट यानी एसेट में, ग्रॉस अकाउंट में ऐसा होगा। अब आता है सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होगा, अब मुझे बताओ नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है एसेट पे,
डेप्रीसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, याद आ रहा है? ऐसी अपन एंट्री पास करते हैं नेट मेथड में, तो ये फिक्स्ड एसेट से जाके माइनस हो जाता है और ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ रहा है कुछ, याद आ रहा है? फाइनल अकाउंट्स। और अब ग्रॉस ब्लॉक मेथड में क्या होगा, हम डेप्रीसिएशन तो डेबिट करेंगे लेकिन हम फिक्स एसेट को क्रेडिट नहीं करते, क्योंकि हमको फिक्स एसेट ओरिजिनल वैल्यू पे रखना है। फिक्स एसेट हमको ओरिजिनल वैल्यू पे रखना है तो हम फिक्स एसेट को क्रेडिट नहीं करते, हम वो अलग अकाउंट में जमा करते हैं और उसका नाम होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। आए ख्याल में? इस तरह से एंट्री बदल जाती है। तो ये तो पीएनएल में जाएगा ही, ये तो नॉर्मल पीएनएल में जाएगा और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जमा होते जाएगा। अब क्योंकि आप अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट 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 क्रेडिट, उसमें बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट। इसीलिए जब आप एसेट को बेचोगे तो उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन रिवर्स हो जाता है और रिवर्स करते वक्त इसीलिए उसको डेबिट करते हैं। आए ख्याल में? जब तक एसेट है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जमा होते रहेगा और वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जब भी आप एसेट को बेच रहे हो तो जो एसेट आप बेच रहे हो उससे रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपको कैंसिल करना होता है डेबिट करके। क्लियर है? ये भी लिख लो। चलिए ठीक है, क्लियर है? ये नेट मेथड का है और एक ग्रॉस मेथड का है, तो इतना काफी है, इतना काफी है। चलिए सर, अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्लांट ओरिजिनल कॉस्टिंग, अब क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे यूज होते हैं, जब तक आपको पूरा पिक्चर ना पता हो ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए काफी बच्चे बोलते हैं सर हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको टफ लग रहा है, क्योंकि आपने पूरा पिक्चर देखा ही नहीं है। पूरा पिक्चर देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है और क्या वर्ड्स को इग्नोर करना है। ठीक है, बोलो। प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट 1,35,500, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 72,800। अब समझ में आ रहा है कि भाई ओरिजिनल वैल्यू है 135,500, उस पर अभी तक डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया 72,800, तो दोनों को माइनस करो। आप उसका WDV निकाल सकते हो, निकाल लो कि WDV कितना होगा, उसका नेट वैल्यू कितना होगा, माइनस करो 135,500 माइनस 72,800 तो आएगा 62,700। मतलब उसका बुक्स में नेट वैल्यू कितना है, वो एसेट आपके लिए कितने कॉस्ट का है, नेट 62,700। जब मैं प्रॉफिट लॉस निकालूंगा तब मैं WDV यूज करूंगा। प्रेजेंटेशन आप जैसे भी करो भैया, वैल्यू तो नेट ही लेनी है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लिखा है वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,900 के प्रॉफिट में बेचा है। अब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल वैल्यू आएगी, तो कॉस्ट यहां पे क्या लेना है, WDV लेना है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर अलग से WDV पहले ही कैलकुलेट करके दे दी है। बोलो तो सेल वैल्यू कितनी होगी, WDV प्लस प्रॉफिट। WDV कैसे निकाली, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट। बोलो कितना आएगा, $78,600। क्लियर है? सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको कैश फ्लो निकालना था। अब सेल हो रहा है तो इनफ्लो ही आएगा और कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि WDV में बस प्रॉफिट जोड़ना है। ठीक है, चलिए सर, तो एक प्लांट का क्वेश्चन हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट सॉल्व करते हैं। चलो छोड़ो, टाइप वाइज बहुत हो गया। अब है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स पहले तो क्या है, लाइबिलिटी है, तो इसमें कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, बोलो। टैक्सेशन का ये अलग ही क्वेश्चन आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। बोलो, अकाउंट बना के मैं सॉल्व कराऊंगा। बोलो, प्रोविजन फॉर टैक्स एज ऑन 1/4/2018 यानी कि ओपनिंग बैलेंस और 31/मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस 13,70,000 एंड 14,55,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर 12,05,000 वॉज पेड टूवर्ड्स द इनकम टैक्स। ठीक है, ये इनकम टैक्स पेड है। आपको पूछा है कि प्रोविजन कितनी की होगी, साल भर में प्रोविजन फॉर द ईयर, जो ईयर एंड पे 31 मार्च पे आप प्रोविजन करते हो वो कितनी की होगी आपको बताना है।
अब आप इसमें प्लस माइनस से भी सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकली ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा सर, मैं गलती नहीं करना चाहता, मैं अकाउंट बना के करूंगा जिसमें एक आध मिनट ज्यादा लगता है मैक्सिमम। बोलो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे बनेगा, फटाफट बताओ। लाइबिलिटी अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस होगा, बोलो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, सेम क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा कितना है 1372, क्लोजिंग भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है लेकिन लिखते कहाँ है डेबिट साइड, बोलो क्लोजिंग बैलेंस 1455। अब मुझे बताओ टैक्स पेड की एंट्री क्या होती है, टैक्स पेड की जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू कैश बैंक, लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू कैश बैंक, तो टू कैश बैंक आएगा यहां पे, पेड कितना 12,05,000, 12,05,000, और प्रोविजन की क्या एंट्री पास होगी 31 मार्च पे, आप टैक्स की प्रोविजन कर रहे हो तो उसकी एंट्री होती है पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, आई होप आपको पता होगा पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपको पूछा है कि बताओ प्रोविजन कितनी होगी, चार फिगर आते हैं इसमें भी, चार में से तीन फिगर दिए रहते हैं, चौथा आपको निकालना है, कभी टैक्स पेड पूछा रहता है तो कभी प्रोविजन पूछा रहता है, ठीक है। तो सिंपल है, डेबिट साइड के दोनों अमाउंट पता है उसकी टोटल कर लो, 12,05,000 प्लस 14,50,000 माइनस 13,70,000, तो कितना आ गया 12,88,000। तो आपने साल भर में प्रोविजन कितनी की होगी 12,88,000, ठीक है, लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, जैसे आपको जमता है वैसे आप सॉल्व करो। लॉजिकली सर कैसे सॉल्व करेंगे कि ओपनिंग टैक्स था 13,70,000, 13,70,000 का क्या मतलब है कि इतना टैक्स भरना बाकी है, अब कितना भर दिया वो दिया है वो माइनस कर लो कि भाई 13,72,000 में से आपने 12,05,000 पे कर दिया, तो 1,66,000 पे किया ही नहीं, और प्लस कितना बैलेंस है, बैलेंस है 14,55,000, तो ये 14,55,000 में से 1,60,000 तो पुराना ही है जो आपने पिछले साल का पे नहीं किया, समझ में आ रहा है क्या, 14,55,000 क्या है, ये पूरा बैलेंस है, इसमें से कुछ पैसा तो आपने पिछले साल का ही टैक्स पे नहीं किया, आपको टैक्स भरना था 13,70,000 पर आपने सिर्फ 12,05,000 भरा है, तो 1,67,000 तो पुराना है वो माइनस कर लो इसमें से, तो माइनस करो माइनस 14,55,000, तो इस साल का कितना प्रोविजन होगा 12,88,000। तो ऐसे भी आप ओरली लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, तो ये एक पूरा टाइप हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें ऐसा ही रहता है, ठीक है, टैक्स पेड दिया रहेगा प्रोविजन पूछा रहेगा, या प्रोविजन दिया रहेगा पेड टैक्स पेड पूछा रहेगा, करना एक ही काम है। चलिए सर, क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलिए अब हम कुछ डिबेंचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब कि फिनेंसिंग के कुछ करते हैं, और फिर आखिरी में मैं कुछ ऑपरेटिंग के बताऊंगा। चलिए फिनेंसिंग पे आ जाओ, इसी का एक क्वेश्चन करा रहा हूं। 41, ड्यूरिंग द ईयर 1819 कंपनी रिडीम्ड इट्स 10% डिबेंचर ऑफ 8 लाख एट 10% प्रीमियम, ठीक है, 8 लाख क्या है फेस वैल्यू, 10% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिडीम कर रहे हैं 8 लाख फेस वैल्यू के एट 10% प्रीमियम, रिडीम कर रहे हैं मतलब आउटफ्लो होगा, बोलो कितना अमाउंट आएगा 8 लाख प्लस 10% यानी कि 8,80,000 रीपे हो रहा है, मतलब आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो। फिर लिखा है एंड आफ्टर सम टाइम अ फ्रेश इशू वॉज मेड, फ्रेश इशू वॉज मेड, इशू में पैसे आते हैं, इनफ्लो है, कितना इशू किया सेम 10% डिबेंचर ऑफ 7,50,000, ये भी फेस वैल्यू है एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, बोलो कितना अमाउंट आया होगा 7,50,000 पे 25%, बोलो। यहां सब कैश के हिसाब से देखना है सर, हाँ कैश फ्लो है, तो आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा 9,37,500, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इशू है, तो पूछा है बताओ नेट क्या होगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम डिबेंचर विल बी, बोलो 937,500 माइनस 8,80,000,
नेट पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा 57,500, इनफ्लो ऑफ 57,500। क्लियर है? सिंपल एकदम। ठीक है, ये है रीपेड और ये है इशूड। आ रहा है ख्याल में? लिखते जाओ। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैंने मेरे नोट्स में भी आपको दिया हुआ है, वो वाले पढ़ लेते हैं। डिबेंचर की आगे बढ़ो, देखो फिनेंसिंग पे आ जाओ। बरोबर, ये भी डिबेंचर का ही है, आ जाओ इस पे। इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड द बैलेंस ऑफ 5% डिबेंचर्स, 5% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 100 rupees ईच एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वॉज 1 lakh एंड एट द एंड इट वॉज 70,000। ठीक है, 1 lakh से कम होके 70,000 हो रहा है। अब मुझे बताओ डिबेंचर का अकाउंट में क्या क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैं वो लेजर की बात कर रहा था कि बताओ लेजर में क्या होगा। बोलो डिबेंचर अकाउंट में क्या होगा। पहले तो डिबेंचर क्या है, लाइबिलिटी है। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ओपनिंग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, उल्टे साइड, डेबिट साइड। ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब आप नया इशू करोगे, नए इशू की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या हुआ, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखूंगा, कैश बैंक। अब रीपे होगा तो सेम उसमें डिबेंचर डेबिट होता है टू कैश बैंक, तो वो यहां आएगा डिबेंचर टू कैश बैंक। ये हो गया रीपेड और ये हो गया इशूड। बस ये इसमें भी यही होता है, इशू या रीपेमेंट, इशू रीपेमेंट। आए ख्याल में? तो ये ऐसा होता है। अब बोलो, अब वही मैं बोल रहा हूं कि सीधे सीधे ओपनिंग है 1 lakh, क्लोजिंग है 70,000 और कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं कि नया इशू किया है, तो ये आप जीरो मानोगे। तो सीधे सीधे मतलब रीपे हुआ है 30,000 फेस वैल्यू, 30,000 फेस वैल्यू का रीपेमेंट हुआ होगा। अब उसमें कुछ जानकारी दी है आपको, एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 rupees 5% डिबेंचर्स वेर रिडीम्ड बाय परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट एट द रेट ऑफ 96 rupees पर शेयर पर डिबेंचर। मतलब आपको ब्रेकअप दिया है कि टोटल जो 30,000 का रिडम्पशन किया है उसमें से 20,000 फेस वैल्यू का जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से किया है। मेथड्स आप डिबेंचर में पढ़ोगे कि मार्केट से लेके आप कैंसिल कर देते हो, तो आपका मार्केट में वो खरीदने में कितना पैसा लगा, कैश फ्लो पड़ रहा है ना, तो कितना कैश आउटफ्लो हुआ होगा वो हम मतलब जोड़ेंगे। पहला है फेस वैल्यू 20,000 और एक है फेस वैल्यू 10,000। कैसे आया, टोटल डिक्लाइन है 30,000, 20,000 का हिसाब किताब दिया है, मतलब बचा हुआ 10,000 और है जो आपने रिडीम किया है। 10,000 का फेस वैल्यू और है जो आपने रिडीम किया है, कुछ नहीं दिया है, मतलब आपने कैश में नॉर्मल वे से रिडीम किया होगा। ठीक है, बोलो फेस वैल्यू 20,000 जो ओपन मार्केट ऑपरेशन से आपने रिडीम किया, उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ा होगा, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे। 20,000 डिवाइडेड बाय 100, 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो 200 डिबेंचर होंगे। 200 डिबेंचर आपने ओपन मार्केट से खरीदे 96 rupees पे, तो आपने कितना पैसा दिया होगा, 19,200 आउटफ्लो आएगा, आउटफ्लो। ठीक है, मैं साइन आउटफ्लो के हिसाब से दे रहा हूं, माइनस साइन नहीं है वो, आउटफ्लो के लिए माइनस साइन है। बोलो और बचा हुआ जो 10,000 है जो साइलेंट है, मतलब वो नॉर्मल फेस वैल्यू पे आपने नॉर्मल तरीके से रिडीम किया होगा, तो वो आउटफ्लो कितना आएगा, 10,000। हिडन है, छोड़ना नहीं है लेकिन लेना है। टोटल देख रहा है ना, डिक्लाइन 30,000 का है, तो रिडम्पशन तो 30 lakh का 30,000 का फेस वैल्यू का हुआ ही होगा, 20,000 का बताया हुआ है, मतलब 10,000 का नॉर्मल वे में हुआ होगा, वो ओपन मार्केट से नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ, तो आउटफ्लो। तो टोटल आउटफ्लो कितना हुआ, 29,200 आउटफ्लो ऑफ 29,200। क्लियर है, सिंपल है, आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले अब मैं मेरे बुक के पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ज़्यादा वैसे भी है नहीं ज़्यादा है ही नहीं, बहुत कम दिए मैंने, टाइप वाइज ही दिए हैं। ठीक है, चलिए फिनांसिंग ये हो गया, अब आते हैं ऑपरेटिंग, अब आ जाओ ऑपरेटिंग। ठीक है, चलो बोलो
एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस का है और एक फुल है, ठीक है, एक फुल भी दिया है और एक मैंने, अच्छा ये वाला कर लेते हैं पहले, छोटा इजी वाला कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। बोलो, प्राइड लिमिटेड हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000, डेप्रिसिएशन 17,000 एंड डिक्रीज इन डेटर, बोलो डिक्रीज इन डेटर 20,000, बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पैट, बोलो पैट मतलब आपको पता ही है आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है तो मतलब सारे खर्चे भी माइनस हो ही गए होंगे, सारे लॉसेस भी माइनस हो ही गए होंगे, तो डेप्रिसिएशन भी आपने माइनस कर लिया होगा, लेकिन पैसे तो गए ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, वापस एड बैक करो, तो एड बैक डेप्रिसिएशन 17,000। और अब बताओ डिक्रीज इन डेटर, डेटर क्या है, एसेट, एसेट सोच के करना है, आप नाम में मत खो जाना, बिल रिसेबल हो, डेटर हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है, एसेट, बस वर्ड एसेट सोचो, डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम हो रहे हैं, एसेट जा रहे हैं तो पैसे आए होंगे, एसेट जा रहे हैं तो पैसे आए होंगे ना, तो ये क्या होगा, इनफ्लो, बोलो भाई कितना आएगा, जोड़ो तीनों को, 1,27,000 आ रहा है, एकदम सिंपल है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, दो या तीन एलिमेंट्स होंगे उसका इफेक्ट आपको लेना है, आंसर आ जाता है, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट हो गया, एकदम सिंपलेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अब एक दो एक्स्ट्रा स्टेप्स वाले, बोलो वर्किंग कैपिटल वाला है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एक्सपर्ट लिमिटेड, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है बैलेंसेस, ये ओपनिंग है 13 और ये क्लोजिंग है 14, इंक्रीज डिक्रीज आपको निकालना है। अब नाम में क्या रखा है, नाम भूल जाओ, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि एसेट है कि लाइबिलिटी है, और इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, प्लस माइनस का लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बोलते जाओ और लिखते भी जाओ, बोलो क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी, डिफरेंस निकालो, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो देखो, बोलो क्लोजिंग बैलेंस देखो ज्यादा है तो 98,400 माइनस 86,600 तो 11,800 का डिफरेंस है। अब ये क्या हो रहा है मुझे बताओ, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हुआ होगा, इनफ्लो, कुछ ना कुछ मिला होगा ना, मिला है इसीलिए लाइबिलिटी बढ़ी है, ठीक है, तो ये इनफ्लो है यानी पॉजिटिव। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटी है, नाम भूल जाओ, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसको क्या सोचना है, लाइबिलिटी है, और ये क्या हो रहा है देखो, ये भी इंक्रीज हो रही है तो 115 माइनस 85 तो 30,000, ठीक है 30,000 इसका डिफरेंस है, और ये भी क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है यानी कुछ ना कुछ मिला होगा एड। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, अब प्रोविजन फॉर टैक्स तो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेते ही नहीं है, नीचे देखो दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5,50,000, आपको बताना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा। अब बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक क्या क्या एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, हम सारे नॉर्मल रिवर्सल कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एडबैक कर देते हैं, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो सब वो एडबैक कर लेते हैं, और हम प्रोविजन फॉर टैक्स भी एडबैक कर चुके होंगे, फॉर्मेट याद करो, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक हम नॉर्मल सारे एडबैक्स कर लेते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इफेक्ट देते हैं, और सबसे आखिरी में टैक्स पेड माइनस करते हैं, याद आ रहा है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर के फर्स्ट खाचे में ही एडबैक हो जाता है, रिवर्स कर देते हैं, और टैक्स पेड एकदम नीचे आता है अलग से। तो यहां आपको ध्यान देना है कि ये जो बेस है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें टैक्स की प्रोविजन हमने रिवर्स कर दी होगी, अभी फिर से नहीं करना है, कर दी होगी, अब हम पहले वर्किंग कैपिटल चेंजेस देंगे और अलग से टैक्स पेड आखिरी में माइनस करेंगे, क्योंकि वो नहीं हुआ है, अब टैक्स पेड तो दिया ही नहीं है सर। अब यहां पे आपको कंसेप्ट यूज करना है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स का होता क्या है, ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000, ओपनिंग बैलेंस है ना, मतलब ये पिछले साल का टैक्स है, वो आपने इस साल भर दिया होगा, नहीं दिया है कि कितना भरा है, तो आपने जितना भरना था पूरा भर दिया होगा ना, 1,50,000 आपको देना बाकी था तो 1,50,000 आपने भर दिया होगा, और फिर जो 1,60,000 दिख रहा है वो क्या है, वो इस साल का टैक्स है, वो इस साल का प्रोविजन है जो अब आप अगले साल भरोगे, ये नॉर्मल साइकिल होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है
प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, तो आपको ऐसा ही अज्यूम करना है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल का टैक्स था, वो आप इस साल भर दोगे रिटर्न फाइल करते वक्त, तो आप उसको टैक्स पेड मान सकते हो, ओपनिंग बैलेंस को टैक्स पेड मान सकते हो और क्लोजिंग बैलेंस को इस साल का प्रोविजन मान सकते हो जो आप अगले साल पे करोगे। ठीक है, लिख लो, भूल जाओगे। ओपनिंग टैक्स को आप अज्यूम करो टैक्स पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, और क्लोजिंग टैक्स क्या है? प्रोविजन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का प्रोविजन है। ऐसा आप साइकिल अज्यूम कर सकते हो। तो 150,000 ऑलरेडी एडबैक हो चुका है, ऑलरेडी एडबैक हो गया है, अभी बस हमको टैक्स पेड माइनस करना है। तो प्रोविजन कितना है? 160,000, लिख लो अमाउंट्स। प्रोविजन क्या है? क्लोजिंग बैलेंस 160,000, और पेड कितना है? 1.5 लाख। आए ख्याल में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टैक्स को यहां कुछ नहीं करना है, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आता। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स क्या है? एसेट है, नाम में क्या रखा है? एसेट है। एसेट देखो अब कम हो रहा है, 268,000 से कम होके 254 हो रहा है, तो कितना डिफरेंस है? 268 माइनस 254, 14,000 एसेट कम हो रहा है, 14,000 एसेट कम हो रहा है, एसेट जा रहा है, एसेट जा रहा है, पैसे आए होंगे। एकदम सिंपल, मेरे जैसा सोचो, मेरे जैसा आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी वर्डिंग्स पे मतलब ध्यान दो बस। तो 14,000 एसेट कम हो रहा है मतलब पैसे आए होंगे, एसेट जा रहा है मतलब पैसे आए होंगे। फिर स्टॉक, स्टॉक भी क्या है? एसेट। बैलेंस बढ़ रहा है, 1,75,000 माइनस 1,40,000, 35,000 से बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है तो पैसे गए होंगे, यानी आउटफ्लो। निकालो नेट चेंज, निकालो नेट कितना इफेक्ट है? 11,800 प्लस 30,000 प्लस 14,000 माइनस 35,000, तो नेट इफेक्ट है 20,800 इनफ्लो। बोलो तो स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट 5,56,000 प्लस जो भी है वर्किंग कैपिटल चेंजेस 20,800 माइनस टैक्स पेड 1,50,000। बोलो सर कितना आएगा? 556 प्लस 2,800 माइनस 1,50,000, 4,26,800। आ रहा है? आ रहा है क्या? बोलो। सिंपल है। अगर आप एसेट लाइबिलिटी के हिसाब से सोचोगे, ये जो मैं बता रहा हूं आप ऐसा सोचोगे तो गलती नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? आप सोचते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपको विजुअलाइज ही नहीं होगा, आपको विजुअलाइज ही नहीं होगा, नहीं समझेगा कि वो इनफ्लो कैसे हुआ। सोचना क्यों है आपको? एसेट है कि लाइबिलिटी है? बस एसेट है कि लाइबिलिटी है सोचो, और एक नॉर्मल जो एक आइडिया होती है एसेट लाइबिलिटी की, उसके हिसाब से आप विजुअलाइज करो तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए सर। तो यहां लिख भी लो कि प्रोविजन इज अज्यूम्ड टू ऑलरेडी हैव बीन एडेड बैक, वो ऑलरेडी एड बैक हो गई है, अभी फिर से एड बैक नहीं करेंगे। प्रोविजन एड बैक हो चुकी होगी, 5,56,000 का जो प्रॉफिट है इसमें ऑलरेडी आपने प्रोविजन एड बैक कर ली है, बस आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं और लास्ट में आपको टैक्स पेड लिखना है, खत्म। ठीक है, चलिए सर अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वे प्रोवाइडेड बाय ट्रेडिंग कंपनी टू यू, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एक मार्क के लिए, इससे बड़ा क्या क्वेश्चन आएगा आपको? बोलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेस समझो, हाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस माइनस हो गए होंगे, टैक्स भी माइनस हो गया होगा, इंटरेस्ट भी माइनस हो गया होगा, सब माइनस हो गया, बस क्या माइनस नहीं हुआ है? डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होगा, क्योंकि टैक्स के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आप डिविडेंड माइनस करते हो, कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है तो आप बाद में करते हो, वो सब इसमें से माइनस नहीं हुआ है। बाकी जो नॉर्मल खर्चे हैं, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, गेन है, वो सब एड लेस हो चुके होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 18,35,000। अब बस एलिमेंट प्लस माइनस होंगे कि वो बता दो, अपन आंसर निकाल लेंगे। बोलो, एम प्लस एम माइनस भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो एम प्लस एम माइनस से कर लेते हैं सर, पहले आप इसको एम प्लस कर लो, एम प्लस करो। बोलो 18,35,000 एम प्लस, पहला आइटम बोलो। डेप्रिसिएशन राइट ऑफ माइनस हो चुका होगा, पर ये तो नॉन कैश आइटम है,
नॉन कैश आइटम है, एड बैक कर लो, प्लस यानी एम प्लस करो, 1,08,000 एम प्लस। सिमिलरली गुडविल रिटर्न ऑफ आपने माइनस कर दिया होगा, राइट ऑफ कर दिया होगा, पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया होगा, यानी माइनस हो गया है, लेकिन कैश तो जाती नहीं है उसमें, तो वापस एड बैक कर लो, तो ये भी एड बैक होगा 50,000 एम प्लस। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स सेम, प्रोविजन नॉन कैश होती है, आपने माइनस कर दिया, एड बैक कर लो 5,50,000 एम प्लस। फिर है इंटरेस्ट सॉरी इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड तो माइनस होता है, बोलो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है और एक्चुअली आउटफ्लो हो रहा है, प्रोविजन तो एडबैक कर ली ना, इफेक्ट टैक्स का जीरो कर दिया, अब पे कर रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा, तो एम माइनस करो, एम माइनस, ठीक है 4,80,000 एम माइनस। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू पीएनएल, बोलो लिखा हुआ है क्रेडिटेड टू पीएनएल, नॉर्मल इंटरेस्ट है, आपने पीएनएल में क्रेडिट किया, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सा एक्टिविटी आता है सर, काई पे इंटरेस्ट मिलता है, एसेट्स पे, इट्स अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर आपने तो पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है, तो यहां से हटाओ, रिलेटिंग टू अदर हेड्स, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, यहां से हटाओ, आपने क्या किया है एड कर लिया है, एड का उल्टा माइनस, कमाई है रिसीव्ड वाला है, ठीक है, तो आपने इनकम मान के क्रेडिट किया होगा, हम माइनस करेंगे, बोलो 25,000 एम माइनस। और फिर है इंटरिम डिविडेंड पेड, लो कुछ लोगों की इच्छा थी सर इंटरिम डिविडेंड, आ गया इंटरिम डिविडेंड, बोलो इंटरिम डिविडेंड पेड क्या होगा, वो तो फिनांसिंग में आएगा ना सर, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड क्या है, फिनांसिंग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, पीएनएल का कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ये इग्नोर करेंगे, ये कौन से एक्टिविटी से रिलेटेड है, फिनांसिंग है, और इसका पीएनएल में कोई इफेक्ट गया ही नहीं है, तो रिवर्स क्यों करेंगे, ऐसा सवाल आना चाहिए कि भाई गया ही नहीं है तो ऑपरेटिंग में कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली फिनांसिंग में आउटफ्लो दिखाएंगे, तो यहां पे नो इफेक्ट, एमआरसी दबा दो, आंसर आ गया, एमआरसी दबाओ 20,38,000 आ रहा है, 20,38,000 एमआरसी दबाओ, चलिए सर आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं भैया, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, चलिए सर। तो मैंने देखो अलग 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 प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए, अच्छा एक और क्वेश्चन नहीं, 43 वाला कर लिया था, 43 वाला कर लिया था, कर लिया था भाई, कर लिया था 40, 41, 43, 44, 45 और यही 46 यही है जो अभी हमने किया है, ये भी पास पेपर का ही है, देख लो पास पेपर के कवर्ड है मेरे इसमें, सारे नहीं हैं बट ठीक है कवर्ड है। अच्छा एक और ये बता दो, चलो एक ये थेरी क्वेश्चन भी बता दो, इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, देखो दिया है इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज दिया है, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड शुड बी क्लासिफाइड एज, बोलो इंटरेस्ट लेना देना रोज का काम है फाइनेंशियल एंटरप्राइज का, तो वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आ रहा है ख्याल में। एक और क्वेश्चन बताता हूं, December 20 का, अब December 20 में एक्चुअली ज्यादा कैश फ्लो से आया ही नहीं, AS से बहुत ज्यादा आ गया था अनफॉर्चुनेटली, तो ज्यादा आया ही नहीं। कैश फ्लो का एक क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाहूंगा, जो मुझे भी मतलब पहली बार जब पढ़ा था तो मेरा भी आंसर गलत आया था, बाद में जब ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे आंसर समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th है, December 20 का क्वेश्चन है, ऑन 31st March 2019 एक्स लिमिटेड हैज ऑलरेडी है 8% फिक्स डिपॉजिट, कब करवाई थी, 1st मार्च को, 31st मार्च को, इसलिए ऑलरेडी है क्योंकि 1st मार्च को FD में इन्वेस्ट किया था और मैच्योर हो रही है 31st मई पे, ये डेट अगर आप इग्नोर कर गए तो गए, आंसर मतलब गलत आएगा। अब इसका टेनोर गिनो कितना है, मार्च अप्रैल मई, 3 ही महीने हैं, और मैंने आपको बताया था याद करो कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो मैंने बताया था कि कट ऑफ एक्चुअली कितना आता है, 3 मंथ्स का आता है, गाइडेंस नोट में 3 मंथ्स दिया हुआ है कि शॉर्ट टर्म मतलब एक महीना नहीं, कैश इक्विवेलेंट मतलब 3 मंथ्स तक का अगर मैच्योरिटी पीरियड है तो उसको आपको कैश इक्विवेलेंट मानना है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लेना है,
मतलब वो ऑपरेटिंग इसमें उसमें आने का आएगा ही नहीं, वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, उसी का इंक्रीज डिक्रीज आप ढूंढ रहे हो, आए ख्याल में? तो बस यही एक क्वेश्चन है कि यार ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है, तो ये पूरे कैश फ्लो में कहीं आएगा ही नहीं। और अगर आप इसको ये भूल गए, अगर इसको आप कैश इक्विवेलेंट नहीं मानोगे, तो फिर आपका आंसर सी आएगा, फिर आपका आंसर सी आएगा, लेकिन एक्चुअली सी आंसर नहीं है, ठीक है, एक्चुअली डी आंसर है, नन ऑफ अबव, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लब हो जाएगा, ठीक है, ये कहीं से कुछ एड बैक या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पूछा क्या है मैं बता देता हूँ, 8% का FD है, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट रिसीव होता है मंथली बेसिस पे, और कैश फ्लो में आप बताओ क्या बताओगे इसके बारे में, ऐसा पूछा है। तो नॉर्मली आप क्या सोचोगे, 3 लाख का FD है तो भाई हम आउटफ्लो दिखाएंगे इन्वेस्टिंग में, और मार्च महीने का जो ब्याज है, ब्याज होता है ना 3 महीने का है, तो 1 महीना इस साल में आ रहा है, 2 महीने तो अगले साल में आ रहे हैं, तो 1 महीने का ब्याज अक्रूव हो गया है, पर रिसीव तो नहीं हुआ है, मंथली बेसिस पे रिसीव होता है, लेकिन वो 1 अप्रैल को रिसीव होगा, मार्च का 1 अप्रैल को रिसीव होगा, 30 मार्च में तो अक्रूव हो गया ना, मिला ही नहीं है, तो आप एड बैक करोगे, ठीक है, तो वो दिया है 2000 एड बैक कर लेंगे। तो आपको अगर आप कैश इक्विवेलेंट आपने आपको क्लिक ही नहीं हुआ 3 महीने वाला कट ऑफ, तो आप सी आंसर लिख दोगे, पर एक्चुअली ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लासिफाई होगा, ये गूगली क्वेश्चन है, क्या है, स्पेलिंग नहीं आती है, गूगली, तो ये गूगली है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए सर, तो इतना काफी है सर, इतना काफी है, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन न ही रखें तो सर आप खुश रहेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बता दिया मैंने, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बता दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी पूरा बता दिया, डिविडेंड भी पूरा बता दिया, ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए, और पास्ट पेपर के भी क्वेश्चंस मैंने करवा लिए, ठीक है। नमस्कार, चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए सर, कमेंट में बता दीजिए कैसा लगा, क्या लगा, बस और रिक्वेस्ट मत करना सर, ये भी ले लो वो भी ले लो, इतना रिविजन क्लास के हिसाब से काफ़ी है, इतना रिवीजन क्लास के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। तो मैंने सब देखो बता दिया है, ठीक है, सब बताया मैंने, डिबेंचर अकाउंट भी बता दिया सब, ये मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आज के आज मतलब क्लास जिस दिन पे आ रही है उसी दिन पे आपको ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, या आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं पास पेपर के ही हैं, आप वो आपके पास भी होंगे ही, बट मैं स्टिल आपको जो जो मैंने डिस्कस किए हैं उसका मैं आपको इमेज भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल बस फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो ज़रूर से लाइक करना सर, वीडियो ज़रूर लाइक करना सर, अच्छा लगा होगा तो, और चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपको बता चुका हूँ सर, विवेक सर ने इतना आपके लिए किया है तो आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर किए बिना मत जाना, वीडियो लाइक कर देना, और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे सर, कल टॉपिक है अपना ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, पूरा थेरी है सर, एक ही दिन में हो जाएगा, 1 आवर या 1.5 आवर में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, और न्यू सिलेबस के हिसाब से जितना कवरेज है मैं उसके हिसाब से लूंगा, ठीक है, क्योंकि ओल्ड वाले का चैप्टर बहुत बड़ा है, ओल्ड सिलेबस का ओवरव्यू बहुत बड़ा है, उतना मैं ज़्यादा नहीं कवर कर पाऊंगा, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से कवरेज है, और थोड़ा बहुत जो भी मुझे लगा और भी बताना चाहिए जिसका, और आगे आने वाले चैप्टर्स के साथ अगर कनेक्शन है तो वो सारी भी बातें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, पूरे कॉस्ट के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे सर, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, मैं मतलब भी बताऊंगा, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, सारे जो थेरी क्वेश्चन के पंचवर्ड्स होते हैं वो भी कवर करवाऊंगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं, थेरी पढ़ाते पढ़ाते सब बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, क्या पंचवर्ड आपको ध्यान रखना है। तो कल मिलते हैं सर 11 बजे, बिल्कुल 11 बजे सर आ जाना है, ठीक है, इसमें कोई आलसी मत दिखाना, ठीक है, रिस्पेक्ट करो मेरे टाइम की, मेरे एफर्ट्स की, अगर आप रिस्पेक्ट सही में करते हो तो सेशंस को 11 बजे ही देखो, बाद में देख लूंगा मतलब मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, बाद में देख लूंगा मतलब मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट है तो आप सर 11 बजे आके देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।